अरे वहां नहीं, वहां लगा दो उसको। हाँ आइए, नमस्ते, आइए। अरे नमस्ते। इनका नाम है रघुपति, इस घर में सबसे बड़े हैं। इनका और सुपरस्टार कृष्णा का एक क्लोज कनेक्शन है। वो क्या है कि वेल्लूर सीआर रेड्डी कॉलेज है, वहां पढ़ाई करके कृष्णा जी सुपरस्टार बने हैं। ये सोचकर ये भी उसी कॉलेज में ज्वाइन करके ड्रामा करके ट्रॉफी जीतने के बाद भी अपना टाइम बर्बाद करके या हमारा टाइम अच्छा है ये सोचकर सिल्वर स्क्रीन पर आ ही नहीं पाए। हाँ जी, कड़ियम से केले आए हैं, उसका क्या करना है? जाकर उसे मार्केट में बेच दो। तुम भी ना, जाके उसे मंडप में रखो ना। देखा इनका मजाक, इनका नाम है राघव। मांगने पर तो जान भी दे सकते हैं और मजाक के साथ भाई के प्रति प्यार भी बहुत ज्यादा है। बाद में बात करना, लड़की को रेडी करो। उसके फ्रेंड्स रेडी कर रहे हैं जी। इनका नाम है राजाराम। सबसे आखिर में पैदा होने के कारण इनका सारा काम बाद में और आखिर में ही होता है। गाड़ी से जाने में इतना टाइम लगा रहे हो, शादी के मंडप में जाना है। हाँ, हो जाएगा मालिक। हाँ। लड़की की साड़ी अभी तक नहीं आई, मुहूर्त निकला जा रहा है, आप जरा पता तो लगाइए ना। इनसे मिलिए, ये है स्वराज्यम। बड़ी चालाकी से घर की लड़की से शादी करके ये इस घर के दामाद बन चुके हैं। जरा सबके नाम तो देखिए, रघुपति, राघव, राजाराम और ये मिसेस स्वराज्यम। इनके पिताजी अपने आप को भारतीय मानते थे, मतलब देश के भक्त। स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ करने की सोच रखने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इन चारों को जन्म दे दिया और देश की आबादी बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया और अपना काम करके निकल लिए। तो फिलहाल इस घर के बड़े हैं रघुपति जी, जॉइंट फैमिली से जॉइंट बिजनेस भी चला रहे हैं। वही है आरएस ब्रदर्स, और इस आरएस का एक लौता वारिस है चंदू। ये कहानी उसी की है। लेकिन जानकी कहाँ है? जानकी, बहन की शादी है और तुम यहाँ पागलों जैसा डांस कर रहे हो। पागल जैसा क्या, इनको देखो कैसे हंस रहे हैं। पसंद नहीं आता तो एंजॉय करते क्या? एंजॉय करते हैं तो ताली बजती है, ऐसे हंसते नहीं। भाई साहब, किसे कुचिपुड़ी भरतनाट्यम दोनों सिखा दिया ना, अब झेलो। क्लासिकल डांस सिखाया तो सोचा कुछ बनेगा, लेकिन ऐसा बनेगा नहीं सोचा था। तुम चुप करो, जाके देखो शास्त्री जी कहाँ से साड़ी आई है कि नहीं। उसके लिए मुझे क्यों बोल रहे हो? बड़े मामा जी ने साड़ी लेने के लिए चंदू को भेजा है। आप लोग तो उनकी बातें सुनते हो ना, उनकी बातें सुनते सुनते मैं बीच में अटक गया, मेरी जिंदगी बीच वाली रह गई। ये टॉप कैसा है? बेंगलोर से चंदू लेकर आया है इसे। बहुत अच्छा है, लेकिन चंदू कहाँ है? पता नहीं, आता ही होगा। आएगा या टांग देगा? मेरा चंदू टांग देने वालों में से नहीं है, हाथ पकड़ के भागने वालों में से है। वो तो ठीक है, लेकिन मुहूर्त का टाइम हो रहा है, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। हाँ, मैं तो भागूंगी, चंदू लेकर जाने वाला है। मुझे टेंशन नहीं तो भला आपको क्यों? जीजा जी, भैया लड़की को मंडप में लेकर के जाना है, लेकिन अभी तक साड़ी नहीं आई। तुम टेंशन मत लो, शास्त्री जी समाधि में। वो कब मर गए? पगले, समाधि का मतलब है ध्यान करना। अब उठ गए होंगे। अभी आएगी क्या? 20 मिनट में हमें यहाँ से निकलना है, तब तक साड़ी आ जाएगी ना? अगले 10 मिनट में यहाँ होगी। पता है कौन लेकर आ रहा है? चंदू। थोड़ा स्लो चलाओ भाई, मैं गिर जाऊंगा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। क्यों इतनी स्पीड में चला रहे हो? पंडित जी मुहूर्त का टाइम हो रहा है। इंसान जिंदा रहेगा तो मुहूर्त दिखाओगे ना, मुहूर्त के चक्कर में मार डालोगे। जल्दी पहुँचने के चक्कर में हड्डी पसली टूट जाएगी, तुम्हारी उम्र में जुड़ जाएगी, मेरी उम्र में नहीं। थोड़ा आराम से चलाओ भाई। पंडित जी हम पहुँच गए, उतरिए। कहाँ पहुँचे? घर पहुँच गए। आइए छोटे शास्त्री जी, कैसे हैं आप? देखकर पता लगा ये कैसा हूँ। क्यों, उसने आपको टेंशन दी क्या? डरा दिया। इनके डर की वजह से तो देर हो गई, नहीं तो कब के पहुँच चुके होते। अब और देर मत करो, जाकर सपना को ये साड़ी दे दो। बड़े पापा, गणपति शास्त्री जी कैसे हैं? भगवान कैसे होते हैं? अच्छे ही होते हैं। अच्छा ठीक, आप बातें कीजिए। उनका नाम यूज करके आपने तो पेट भर कमाया है ना। हमारा जानकी बातों में बहुत और काम में कम है। थैंक यू जी। परेशान मत होइए, इसको तारीफ और बेइज्जती समझ में नहीं आता। ऐसे मूर्ख को पैदा क्यों किए? क्या हुआ, इतना लेट क्यों? रजिस्टर मैरिज इतना आसान होता है क्या? रजिस्ट्रार को, पियून को, विटनेस को, सबको मैनेज करना होता है। अगर मैनेज नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। ठीक है, शास्त्री जी की दी हुई साड़ी है, इसको पहन के जल्दी से रेडी हो जाओ और आखिरी बार हम सबकी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, ओके ना? चंदू, आई लव यू। मी टू, गेट रेडी। हाय पप्पी, बहुत मोटा हो गया है। इसकी माँ भी मेरे साथ बहुत रहते थे, ये भी ऐसा ही है। आश्रम में था तो बहुत छोटा था, देखो अब कैसा हो गया। आजकल ना इंसान से कुत्तों की वैल्यू ज्यादा हो गई है। चिंता मत करो, इस जन्म में इंसान हो लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी भी वैल्यू होगी। चंदू रुको, अरे हो जाएगा ना, क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने यहाँ खड़ा किया सपना। सपना जल्दी आओ।
देखो ये साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है, यही दिखाने तो बुलाया है। बाद में भी देख सकते हैं ना। बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। चांस क्यों नहीं मिलेगा? मतलब बाद में आप लोग शादी के काम में बिजी हो जाएंगे ना, तो देखने का चांस नहीं मिलेगा। सही कहा ना। चलो सबका आशीर्वाद ले लो। तुम छोटे बच्चे हो, तुमको पता नहीं कि ये आशीर्वाद शादी के बाद लेते हैं तो फिर अभी क्यों? मामा जी आखिर में क्यों आशीर्वाद लेना, तब तक सब लोग थक जाते हैं और तब तक सबको नींद भी आ जाती है। सपना हो गया ना, चलो रेडी हो जाओ, जाओ जाओ और आप लोग अपना काम करो। चलो चलो आप लोग भी काम करो। चलो अरे सरप्राइज देने वाले थे, क्या हुआ सरप्राइज का? बस 10 मिनट के बाद ना सपना के रूम में जाके देखिए, खुद ही पता चल जाएगा। काफी समय हो गया, सरप्राइज क्या होगा बेटी? सपना सपना जीता जी। अरे और कितना लेट, हमारा हीरो आ गया। रुको जरा, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं तेरा। दुल्हन को मेकअप करने में देर हो गया। कितना लेट? अरे भाई मुझे आरएस बदर की शादी में जाना है। शादी में आप नहीं भी गए तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लड़की तो मतलब वो बड़े घर वाले की शादी है ना, तो बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन इस शादी में आप ही बड़े हैं तो। ओके 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 ओके, ये लो यहाँ साइन कर दो। थैंक यू। इनकी फोटो ले लो। हाँ अगर ये हेल्प नहीं करता तो हमारी शादी नहीं हो पाती, पता है? जनरली लव मैरिज में कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन हम दोनों की आपने बहुत हेल्प। भाई मेरी ड्यूटी तो पूरी हो गई, अब आप लोग ओवर एक्साइटेड होकर मेरे पैर मत पकड़ना, उल्टा आप लोग का थैंक्स। नहीं थैंक्स मत बोलिए। अरे बोलने देना यार, आपने अपनी ड्यूटी की ना, उसके लिए थैंक्स यू बॉस। ओह करेक्ट है। एनीवेज सपना को हमारे घर में सब प्यार करते हैं। मैं तो बिल्कुल फ्री था अपने घर में। अरे सॉरी मेरा मतलब वो नहीं था। आप क्या कहना चाहते हो मैं समझ गया। मैं भी सपना की तरह ही अपने घर में सबको छोड़ कर आया हूँ। न्यू जर्सी में जॉब भी कंफर्म हो गया है हमारा। वी आर फ्लाइंग टुनाइट, डोंट वरी शी विल बी फाइन। तुम्हारा सिलेक्शन ठीक है, तुम्हारी प्लानिंग भी ठीक है, लेकिन मेरा फ्यूचर थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या? तुमको गारंटी उस घर में नहीं आने देंगे, अब क्या करोगे तुम? बैक टू बल्लारी, 6 महीने की इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी, बाद में क्या होगा देख लेंगे। घर में इतना सब कुछ हो रहा है, किसी को पता नहीं चला क्या? वो सरप्राइज सरप्राइज बोल रहा था, लेकिन ऐसा सरप्राइज नहीं सोचा था। वो किसी से प्यार करती थी और हमें नहीं बताकर बहुत बड़ी गलती की उसने। उन दोनों की शादी करा के उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। आज के बाद उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, इस घर में उसका कोई नाम तक नहीं लेगा, समझ गए ना? ए गोपी इधर आ। क्या हुआ? चंदू कहाँ है रे? वो सब ऑन द वे हैं। हारने वाला कहीं भी हो एक ही बात है रे। करेक्ट है भाई, वो हमको भी यही बोला। अबे ये लोकल होकर नॉन लोकल लोगों के साथ घूम रहा है। सब लोग सुनो, हमारे चंदू के पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अभी उसका मनी ऑर्डर नहीं आ पा रहा है, इसलिए अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करते हुए इसकी कॉलेज की फीस और कैंटीन का खर्चा मैंने उठाने का फैसला किया है। आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। हर्ट हो गई क्या? लड़की मारेगी तो हर्ट नहीं होगा क्या? हाँ। मैं भी गरीब स्टूडेंट हूँ। ये लो। भाई मैं खुद भी गरीब हूँ। हेलो हेलो, मैं रिलायंस से रीमा बात कर रही हूँ। हाँ बोलो बेटे। जॉइंट फैमिली के लिए नई स्कीम स्टार्ट की है हमने, इसमें आप आपके फैमिली से कितनी देर भी बात कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली मतलब सब लोग साथ में ही होते हैं ना, फिर फोन क्यों? मतलब आपकी फैमिली में कोई बाहर पढ़ाई कर रहा हो तो उसके साथ भी आप बात कर सकते हो। देखो ऐसा कोई भी हमारे घर में नहीं है। हेलो। क्या माँ, बड़े पापा का गुस्सा कम नहीं हुआ है क्या? रॉन्ग नंबर। हाय मैं स्पाइसी सुधा, रेडियो सिटी की जॉकी। हाँ आप जॉकी हो, मैं जान जानी हूँ। चो ट्वीट, रिसेंटली हमने आपका डांस प्रोग्राम देखा, इट्स सिंपली सुपर्ब यार, अमेजिंग यू नो। थैंक्स अ लॉट। इसलिए आपके जैसे यंग टैलेंटेड लोगों के लिए हम एक शो कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है। मैं ना अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगा। ओके। अरे राजू मामा, रेडियो सिटी के लोगों ने मेरा डांस प्रोग्राम देखा, उनकी तो जान ही निकल गई देखकर। उन्होंने कहा आप ना पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। तो जाके कर लो पार्टिसिपेट। आंटी तुम क्या बोलती हो, रेडियो में डांस कैसे दिखाई देगा, दिमाग खराब है? मुझे बुलाया, तुमको जलन हो रही है ना? चल जा। तुम्हारे साथ एक रेडियो प्रोग्राम करना है, तुम्हारी आवाज सुनकर सारा प्रोग्राम क्लोज। सॉरी सुधा, मेरी आंटी डरावनी आवाज है। वो फोन मेरे बड़े मामा जी बात करेंगे, वी विल टॉक लेटर। तुम अपनी आवाज बदल सकते हो, हमारे दिल को नहीं। हाय, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तुम हॉस्टल में रहती हो ना, मम्मी डैडी नहीं होते, बहुत फ्रीडम होता है ना, उस फ्रीडम का एडवांटेज उठा लो। शट अप, मैं इतनी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ। आप स्पेशल भी होते तो कोई बात नहीं है, क्यों भैया? <Yeah. laughs>
फंस गए यार। ये ऐसे रो क्यों रही है बे? कुछ नहीं हुआ भाई, बिना मतलब रो रही। अच्छा, बिना मतलब रोते हैं क्या? क्या बोला इसको तूने? कुछ नहीं भाई, वो हॉस्टल में बहुत फ्रीडम होता है ना, बस वो यूज करने को बोला था, और कुछ नहीं। बस इतना ही? हाँ, उसी के लिए तो रो रही है। ये कुछ बोल रहा था ना, इसका आंसर दे दो। चलो। हे, तुझे चप्पल से मारोगी क्या? तू फ्रीडम फाइटर है क्या? हीरो समझता है, हीरो समझता है खुद को, हीरो समझता है। हाँ, लड़की को सताएगा, लड़की को सताएगा। इतनी हिम्मत तेरी? ये बाहर से आके यहाँ के लोकल बंदे को मार रहा है, अच्छा नहीं होगा। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया, अब कुछ नहीं हूँ, मैं रेडी हूँ। क्या रेडी? क्या रेडी बोलना? क्या रेडी बोल? रेडी रेडी बोल रहा है। ये कॉलेज है या फिर मार्केट, जान ले लोगे क्या? कुछ नहीं होगा सर, इसको फिजिक्स में एक डाउट है, वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी, वरना डाउट क्लियर हो जाता। ये नहीं चलेगा, तुम दोनों के तेवर से ही मैं सब समझ गया हूँ। चलो जाओ यहाँ पे। तेरी चल चल चल। अब से नो रूल्स, किसी को छोड़ना मत। ओके भाई। पास कर। ये देख। चंदू, वो लोग गलत गेम खेल रहे हैं। यस, हम भी ऐसा ही खेलेंगे, समझ गए ना? हम जीत कर एंजॉय करने के लिए और तुम लोग हार कर फील होने के लिए हमने गेम नहीं खेला है, तो ये झगड़ा क्यों? वैसे हमारे बीच में झगड़ा क्या है बे? तुम लोकल और हम नॉन लोकल, बस इतना ही ना। कुछ दिनों में कॉलेज खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, तो लास्ट फ्यू डेज में हम मिलकर एंजॉय करेंगे। कैसे एंजॉय करें? उसने मेरा मुंह तोड़ दिया। सामने वाले को दुश्मनी का फील दोगे तो वो भी हमें दुश्मनी समझेगा, और दोस्ती का फील करवाओगे तो दोस्त समझेगा। के लिए मैं रेडी हूँ। चार साल चार दिन जैसे निकल गए। ए राजू, अपने कपड़े पैक मत करना। क्या मतलब? यही कंटिन्यू रहूंगा, डाउट है क्या? डाउट नहीं, फिक्स है। तुमने तो अच्छा ही लिखा ना, सुपर 80%। फिर तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। क्यों? तुम्हारे आंसर शीट पे मैंने अपना नंबर लिखा। यार ये तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो और तुम यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? उस दिन स्कॉर्पियो में जिस लड़की को देखा था ना, अब तक उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। तेरी किस्मत में वो लड़की होगी तो जरूर मिल जाएगी। अब टाइम वेस्ट मत करो, तैयार हो जाओ। राजू, क्या हुआ? हमारी वैन सही कंडीशन में है ना? मोर्चरी वैन?
अरे वही अपना मारुति वैन, दादाजी की याद है। दादाजी के आशीर्वाद से वो और मैं हमेशा अच्छी कंडीशन में रहते हैं। हाथ नहीं हटाया तो आपका सर्विसिंग पर भेजना पड़ेगा। और हाँ, वो गूगल गोपी कहाँ है? दो दिन से कहीं दिखी नहीं रहा। ऑन द वे है ना, तो जाकर देखते हैं। चलो गोपी, 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 ए गोपी, गोपी कहाँ है? खाना भी नहीं खाया है, दरवाजा बंद करके अंदर है बेटा। क्या हुआ अंकल? क्या? सविता से प्यार करता है बेटा। सविता को उनके नहीं। घर वालों ने उसकी कहीं और शादी फिक्स कर दी। इसका दुख देखकर हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या, वो लड़की नहीं मिली तो मर जाएगा तू? अगर मैं नहीं मिला तो वो मर जाएगी यार। उस लड़की ने बोला और तुमने मान लिया? राजू भाई, कब है उसकी शादी? आज ही है। तेरी सब लास्ट मिनट पे ही बताएगा। ठीक है, तू जाके शादी की तैयारी कर, मैं लड़की को लेके आता हूँ। अरे मेरे लिए तुम लोग इस झमेले में क्यों पड़ रहे हो? यहाँ पर रुकेंगे तो फंस जाएंगे। आप लोग शादी करवाइए, मैं चलता हूँ। देख क्या रहे हो? चलो राजू भाई, आपकी गाड़ी लगेगी ना। भाई गोपी, चलो देखो भाई, वो हमारे घर की शादी थी इसलिए बच गए, लेकिन बाहर की शादी में ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात मानो और चुपचाप बीआरपी के घर चलो। राम बाबू, शादी के मंडप का नाम क्या है पूछ? ओके, कौन है आप? देखिए हम उनके दोस्त। चलिए जाइए। देखने में तो सब खतरनाक गुंडे लग रहे हैं, लगता है इन्हें देखकर ही गोपी यहाँ से भाग गया। शादी उसकी और रस्क हम ले। मेरी बात मानो और चुपचाप यहाँ से निकल चलो। कमिटमेंट कर दी तो रिस्क के बारे में सोचना नहीं है, उस लड़की को यहाँ से लेके ही जाना है। तुम लोग टेंशन मत लो, ये देखो मैं कुछ लेकर आया हूँ। क्या है? क्लोरोफॉर्म, इसके स्प्रे से इंसान बेहोश हो जाता है। ठीक से काम करता है? तूने चेक किया है? अभी तो नहीं। अबे क्या कर दिया, पागल है क्या? हर बात में मजा, अपने आगे भी क्यों मारा? कथे उस पर मार मत। तो किस पे मारूं? जो बहुत सवाल पूछेगा उस पे मार दे। बहुत मतलब एक दो ठीक है, तीसरा पूछेगा तो मार देना। हेलो हेलो। अरे जल्दी उतरो बाबा, जीजा जी से डांट पड़वाओगी क्या? आप ऐसा बोलते हो लेकिन नायडू जीजा जी आपको याद रखेंगे क्या? अरे ये सब याद रखने के लिए तो रिश्ता हुआ है तुम्हारा। हमारे मामा जी का जो मामा है ना, और उनका बेटा गंगाया नायडू है ना, वो हमारे दादाजी का चचेरा भाई है, समझी? अरे यहाँ सब मिला जुला के रिश्ते में ही है। चलो नायडू जी। कौन हो भाई तुम? गंगाया नायडू का बेटा सन्यासी नायडू। कौन सन्यासी नायडू? अरे वही कारचरला पालम, आपकी दादी के गांव से हूँ। अरे तुम हो क्या? ठीक ठाक हो ना? यहाँ क्या कर रहे हो? आया हूँ। अरे इतने नजदीकी हो के दूर से क्यों बात कर रहे हो? करेक्ट जीजा जी। वो बुरखे में कौन है? हमारा सैदुल नायडू है ना, उनकी बहू ही है। ऐसा है क्या? अच्छा, जो भाग के शादी की थी वही है। ये रिश्ते में मेरी चाची लगेगी। देखा, अदर कास्ट में भी हमारे रिलेशन है। अरे शादी के लिए लेट हो रहे हैं भाई, अगर नहीं टाइम पे पहुंचे तो जीजा जी बहुत डांटेंगे। चलो ओ चाची, आप भी चलिए। हाँ हमारे आदमी है, जाने दो। हाँ जीजा जी, कैसे हो? ये राक्षस यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये सिक्योरिटी वाले हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए हमारे लिए सुरक्षा। रुको, हमारे आदमी है। अरे तुम चलो, ये हमारे गाँव से ही है। ये कौन है? अरे बहुत बड़ी कहानी जीजा जी, बाद में बताओ। तुम चलो चलो। बेटी पूजा। बुआ बुआ बुआ, प्लीज मुझे शादी नहीं करनी है, प्लीज। मुझे पता है बेटी, इसलिए बोल रही हूँ, तुम कैसे भी करके यहाँ से भाग जाओ, मैं जाकर उन लोगों को रोकती हूँ। हाँ? हाँ? कौन है तो? हम दुल्हन के फ्रेंड्स हैं, उससे हाँ, मिलने आए हैं। थोड़ी देर में नीचे आएगी, वहीं पे मिल लेना। इसको मस्कट जाना ना, तो फ्लाइट का टाइम हो जाएगा इसलिए। चलो जाओ। राजू भाई, मैं यहाँ पर रुक के नजर रखता हूँ, आप उसको लेकर आओ। हाँ ठीक है। दुल्हन किस रूम में? वही रूम है। थैंक यू। कौन है आप लोग? तुम रुको। क्या चाहिए? वो क्या है कि तुम चुप रहो, आप चलिए। व्हाट? अरे सब सत्यानाश कर दिया। देख क्या रही हो, जल्दी से बुरका उतारो। अरे सन्यासी जी, क्या हुआ? चाची को क्या हुआ? प्रेग्नेंट है क्या? चाची प्रेग्नेंट हो गई। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अस्पताल ले जाना है ना। हाँ ठीक है, दिखा कर आ जाओ, लेकिन टाइम पर आ जाना, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे बेहोश हो गई है। बेहोश है। क्या हुआ? बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई है। क्या हो गया? बेहोश हो गई है। क्या मामा जी, कैसे हो आप? क्या रे मुच्छल, कैसा है तू? आपका बेटा बहुत बड़ा हो गया है। उसको कब तुमने देखा? अरे अभी शादी में देखा था ना। वो अमेरिका में है, शादी में कब देखा? अरे बुरके में भी कोई साथ में थी। तुम्हारे दिमाग को कुछ हो गया है, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। अरे तुम्हारे दिमाग में कुछ हो गया है, यकीन करो मैं सही कह रहा हूँ। अरे क्या हो गया इन्हें? हाँ, आपका अरेंजमेंट देख कर बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके जाना है। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी आ जाओ बेटा। भाई लड़की नहीं दिख रही है भाई। भाई
इसकी तो ए, हटे, ए, मुहूर्त पर शादी होनी चाहिए या प्यार करने वाली लड़की के साथ? ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या क्या, हमने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारे लिए लड़की को लेकर आए, अब इतना घमंड है इसको? मुझसे छोटा होकर भी मुझ पर हाथ उठाया? और क्या राजू, मेरे प्यार पर उंगली उठाओगे तो क्या मैं चुप रहूंगा? तूने इससे प्यार किया? लेकिन तू तो उससे प्यार करता है ना? वो लड़की कौन है? वो लड़की वही मैं भी पूछ रहा हूँ, कौन है ये लड़की? पहले तुम बता वो लड़की कौन है? पहले तू ये बता ये लड़की कौन है? रुको आप लोग, ये लड़की शादी के मंडप से भाग कर आई है। हम भी उसे शादी के मंडप से उठा कर लाए हैं। उस लड़की को क्यों लाए हो? ये लड़की क्यों भाग के आ गई? मेरे बेटे से प्यार करती है इसलिए भाग कर आई और शादी भी कर रही है। एक मिनट रुकिए, मंडप का नाम क्या बताया था? सोमा शादी का मंडप यार। और तूने क्या बताया था? नोमा शादी का मंडप। नाम बदल दिया इसलिए गड़बड़ हो गई। सॉरी यार, सॉरी यार सर। तो फिर वो लड़की? अरे अरे खाना तो खा के जाओ। चल गए। यहाँ घर चल रहा है और ये आराम से सो रही है। उठ। मैं कहा? सॉरी मैडम, मेरे फ्रेंड की लवर सोचकर मैंने आपको गलती से उठा लिया। रियली? थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। क्लोरोफॉर्म की वजह से कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नो, मुझे तो वो शादी पसंद ही नहीं है, कैसे भागना है वो सोच रही थी और आप लोग मुझे यहाँ लेकर आ गए। शादी पसंद नहीं मतलब लाइन क्लियर है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। ऐसे ही एक और हेल्प भी कर देंगे तो आपने जो काम शुरू किया वो खत्म हो जाएगा। हेल्प? बस मुझे कर्नूल ड्रॉप कर दो। ये रिस्क हम नहीं ले सकते, चाहे तो आपको जहाँ से लेकर आए वहीं छोड़ देंगे। कर्नूल वर्नूल हम नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते तो यहाँ से जा नहीं पाओगे। ऐसा क्यों? कम कम क्यूटी पाई, आई शो यू। वहाँ देखो। इतनी सारी कार क्यों आ रही है? वहाँ देखो। हे भगवान, यहाँ कहीं कोई शूटिंग वूटिंग तो नहीं चल रही है? शूटिंग नहीं, मेरे लिए सर्चिंग चल रही है। अगर मैंने बता दिया कि आप लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं तो आपके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे क्या? नहीं, वो खुद ही खा जाएंगे। डरा रही हो क्या? नहीं सच बोल रही हूँ। उनको सच बता के माफी मांग लेंगे। हाँ, फिर हाथ पैर तोड़ देंगे। खुद को समझते हैं कैसे कैसे तोड़ देंगे। बच्चे हो गया, गलती हमारी है ना, आपको कर्नूल ड्रॉप करना है ना। हाँ करना है ना, चलो चलो लेट्स गो, नहीं तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। सही बात है। अरे तेरी शादी की वजह से मौत के मुंह में फंस गए। अरे रुक, पहले मुझे बैठने दे। अरे थोड़ी जगह तो बना। बाय। आपको शादी पसंद नहीं है, कोई खास वजह? हेल्प कर रही हूँ तो एडवांटेज मत लेना बेवकूफ। नखरे की साइज बॉडी की साइज से ज्यादा। पीछे चलो, पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे चलो फास्ट। कैसे चला रहा है, मार भी कह रहा था क्या? ए वो बंद कर। एक अकेला आदमी क्या क्या करेगा, उसकी जगह मैं नहीं बोल सकता। एक बार पीछे देखो। जल्दी चलाओ ना। फुल स्पीड में चला रहा हूँ। पकड़े गए तो मुझे कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग को मार देंगे। देख के नहीं चला सकते। अरे मेरी तरफ का दरवाजा, कहाँ जा रहे हो? रास्ता उधर है। अरे रुको, क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई। राजू भाई उतरो, गाड़ी को यहीं छोड़ कर जाएंगे क्या? यहीं रहना है क्या? वो लोग आ रहे हैं, जल्दी चलो। रुक जा राजू भाई, चलो जल्दी, चलो 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 सब लोग चलो इस तरफ। अरे बाप रे, दादाजी की निशानी थी वो गाड़ी, उसे छोड़कर पैदल चलना पड़ रहा। आजा। सब लोग आ तो गए ना। अरे वो लड़की कहाँ है? कौन सी? अरे वही दुल्हन लड़की यार,
ए, हमारी जान बच गई और तुम्हें लड़की की पड़ी है। अरे नहीं यार, लेकिन वो बेचारी बेचारी, अरे वो हमारे लिए मुसीबत है। अरे सुन, अगर वो उनको मिल भी गई तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी शादी करवा देंगे, पर हम उनके हाथ लग गए तो हमारा कीमा बना देंगे। कीमा है क्या, भागते भागते पेट खाली हो गया, कुछ डाल दो भाई। तू मुझे खा ले यार। अरे वो लोग तो यहाँ पहुँच गए यार, ये लोग हमारा कीमा बना के, जल्दी चलो। उसको छोड़कर गलती कर दी यार। थैंक्स चंदू, इतने दिन तक मेरा ही खाकर मेरी कार से सिंपैथी दिखा रहे हैं। आपकी बेकार कार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बेकार की कार? जब मैंने 10th पास की थी तो मेरे दादाजी ने मुझे इनाम में दी थी और मुझे आशीर्वाद दिया। ये टॉपिक आपके मरे हुए दादाजी के बारे में नहीं है, उस लड़की का क्या हुआ होगा? ए, प्राण बचने के बाद भी तुम्हें लड़की दिखाई दे रही है क्या? वो बात नहीं रहे, उस लड़की को भी शादी पसंद नहीं थी ना। अच्छा ये बता, तू क्या बिना पसंद वाली शादी को रोकने के लिए पैदा हुए? बिल्कुल सही कहा तुमने। सेठ बिल सेठ वो है, देखा, मिनरल वाटर, चिकन तंदूरी, ये सब हमने कब ऑर्डर किया? तूने ये मिनरल वाटर और चिकन तंदूरी खाया? सेठ, उस मैडम ने। तुम लोग सच में मर्द हो या नहीं? हाँ, एक लड़की खतरे में है और तुम लोग उसे छोड़कर चले गए? ओकुड़ू मूवी देखी है क्या? सौ बार देखी है। उसमें 100 लोग के पीछा करने पर भी महेश बाबू लड़की का हाथ नहीं छोड़ते हैं, वो है असली मर्द। महेश बाबू के पीछे सुपरस्टार कृष्णा और पद्माला स्टूडियो है, बहुत फैन फॉलोइंग है इनकी, और हमारे पीछे आपके गुंडों का फॉलोइंग है। यहाँ आने से पहले इंडिया के बारे में कितना अच्छा सोच रही थी। रुक जाओ, हमको जो भी बोलना है बोल सकती हो, लेकिन इंडिया के बारे में कुछ मत बोलना। आप क्या, आपको कर्नूल छोड़ना है, बस इतना ही ना? मैं देख लूंगा भाई, इमोशन में आके कमिट मत कर। इमोशन नहीं है यार, आपके जैसे देशभक्त की बदनामी होगी इसलिए दुख हो रहा है। आप ना, आप हमारे साथ आ रही हो, ओके ना? ओके थैंक्स, आई एम पूजा। और तुम? मेरा नाम अरे है। पहले मेरी बात सुनो भाई। अरे मोटी, तू भी जरा, और तू भी। क्या कर रहा है? उस लड़की का बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है, कुछ हुआ तो हमारी बैंड बच जाएगी, इसलिए अपने बारे में उसे कुछ भी मत बताना। ओके 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 ओके। हम कुछ पर्सनल बात करने गए थे। वैसे आप क्या बोल रही थी बताइए? आपका नाम? थैंक्स, मेरा नाम दिनेश राजू, इनका नाम धनैया, और ये कोने में वेंकट है, इस मोटे का नाम मोहन है, ये लड़की रमोला। सब लोग अपना नाम याद रखना। अपना नाम क्यों याद? हाँ, मैंने तो आपको नाम याद रखने के लिए कहा। अरे धनैया, तुम जाके बिल देकर आओ। भाई, खुद का नाम डायनामिक रख के मेरा नाम धनिया क्यों रख दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। सुनो, कर्नूल तक यही रहने दो, उसके बाद याद ही नहीं रहेगा। ये 100 रुपए क्यों? टिप के लिए। लेट्स गो। आप सब लोग कब से फ्रेंड्स हो? बचपन से ही। सब लोग बहुत क्लोज हो ना? तुम लोग शांत रहो, मैं रोकता हूँ। भाई साहब, नमस्ते साहब, लिफ्ट लिफ्ट। बाल बाल बच गया, अभी अपने दादाजी के पास पहुंच गया होता। राजू, तुम मांगोगे तो लिफ्ट कैसे मिलेगी? धनिया, तुम पीछे आओ और तुम मेरे साथ आओ। छुप जाओ। हमें लिफ्ट करा दे। हाईवे पर लड़कियाँ, बहुत अच्छा है। हैदराबाद तो नहीं, कम से कम यही काम हो जाएगा संतोष। हाय हाय बेबीज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? लिफ्ट चाहिए। आप कहें तो जान दे दूं? नहीं नहीं, आप मर गए तो हमें लिफ्ट कौन देगा? गुड जोक, आओ दोनों बैठ जाओ, रास्ते में और जोक सुनाना, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। अरे हवा कम है क्या, सीटी क्यों बजा रही हो? ए, तुम लोग कौन हो? साथ है अंकल। फिक्र मत कीजिए। तुमने मुझे अंकल कहा, तब तो मैं तुमसे सूटकेस उठवाऊंगा। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है डार्लिंग? मुझे बस कर्नूल तक ड्रॉप कर दीजिए। हमें हैदराबाद तक ड्रॉप कर दो अंकल। अबे चुप कर काले कौवे। आई एम संतोष, संतोष रेड्डी, मेरे चाहने वाले मुझे हैप्पी रेड्डी कह के बुलाते हैं। अपनी शादी से भाग के आई हो? आपके जैसे एजेड बंदे के साथ बिना पसंद इसकी शादी हो रही थी ना, इसलिए भाग कर आई। ये कौन है तुम्हारा? कोई नहीं संतोष, रास्ते में मिला अनजान लड़का है, और मजे की बात ये, इसका नाम धनिया है। कहाँ मिला? शादी से भगाकर मेरी हेल्प की। अच्छा ऐसा क्या, नाम पुराना है लेकिन काम नया है, चलो बाकी बातें सफर में करेंगे। खैर वहाँ पर है। वैसे हैप्पी रेड्डी जी, आप जा कहाँ रहे हो? वीकेंड एंजॉय करने के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। पूरा हफ्ता मेहनत करके यहाँ एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं? मेहनत किस चिड़िया का नाम है, वो तो कभी मैंने सुना ही नहीं। पूरा वीक क्या करते हो? बस वीकेंड का वेट करता हूँ। हाँ, इसलिए वेट भी बहुत बढ़ गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या बोला तुमने? पेरेंट्स को कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। उससे होता क्या है, फिर बेटा आपके जैसा हो जाता है। मैं सीडीज लेकर आता हूँ, उसके बाद मूड का गेटअप चेंज। गेटअप तो हमें भी चेंज करना पड़ेगा। Excuse me, do you have any western outfits? English सिर्फ हमको ही नहीं बल्कि इनको भी पता होनी चाहिए। Modern dress दिखाइए ना। ये सारे modern dress हैं सर, select कीजिए। Hmm,
धनिया, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? इन में से कलर वाइज ये थोड़ा सा डल है, ये अच्छा ब्राइट और फ्लैशी है। देखो फिर ये नहीं चाहिए। ट्रायल रूम कहाँ है? चलो भाई जल्दी से आ जा। अरे वाह गोल्ड, जरा रुको। सिंड्रेला ब्यूटीफुल। ये गिफ्ट पैक कर दो। थैंक्स धनिया। थैंक्स मुझे आपको बोलना चाहिए इतना अच्छा गिफ्ट सिलेक्ट करने के लिए। ये मेरे लिए नहीं है क्या? आपको लिफ्ट दी है, गिफ्ट भी चाहिए क्या? सच में बहुत खड़ूस आदमी हो तुम। लेकर मैं आया सीरीज। वो गाड़ी तुम्हारी है क्या? हाँ है, लेकिन क्यों? हाईवे पे इस लड़की को देखा क्या? मैं उसे यहाँ लेकर आया। तुम लेके आए थे क्या? हाँ मैं उसे यहाँ लेकर आया, पतली कमर को लिफ्ट करा के। उस लड़की के साथ कुछ लड़के थे, वो लोग कहाँ हैं? हाँ चार लोग थे, एक लड़की थी, उसे पांच लोग शादी के मंडप से उठाकर लाए थे। हाथ हटाओ। अभी वो लोग कहाँ हैं? मैंने कहा ना हाथ हटाओ वरना हाथ तोड़ूंगा। और भी कुछ जानना है क्या? चल बता कहाँ है वो लोग। ले जाओ रे। मेरा तबला तो बजा चुके हो, अब कहाँ लेकर जा रहे हो? ये लड़की यहाँ पे आई थी क्या? आई थी सर। कहाँ है वो? कपड़े खरीद कर चले गई सर। तुम उस तरफ जाओ, तुम इस तरफ जाओ। चलो छोड़ेंगे नहीं उसे। जाके बस स्टॉप पे देखो, मैं भाई को फोन करता हूँ। भाई हम लड़की के अलावा किसी को जानते भी नहीं है। इसे पता है, जब तक वो ना मिले से छोड़ना मत, लेके जाओ इसे। भाई, नहीं चल, पता। अरे चल। नीचे उतारो, उतारो। अब क्या करें हम? थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे। What? थोड़ी देर यहाँ रहकर क्या करना है ये सोचेंगे। परफ्यूम बहुत अच्छा है, कौन सा ब्रांड है? एडवांटेज मत लेना। अरे यहाँ सांस लेना मुश्किल है, एडवांटेज क्या लूंगा। चल रिचार्ज कर। सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है? वो आपको रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा। बाप रे, स्टेशन पहुंच गए, अब किसी भी गाड़ी में चढ़ जाते। चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे वो ट्रेन जा रही है, चलो उसके पीछे चलो, चलो जल्दी चलो। अरे चलो चलो ट्रेन चल गई, चलो चलो जल्दी, कम ऑन सब लोग जल्दी आओ वरना ट्रेन निकल जाएगी। चलो आ जाओ, चलो पकड़ो, आओ जल्दी आओ। पूजा जल्दी आओ, हाथ दो अपना, जल्दी हाथ दो, जल्दी जल्दी करो, वो तुम्हारे पीछे है। जल्दी जल्दी करो, चलो चलो आ जाओ। पूजा पूजा ठीक है, जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो पूजा, चलो आओ, आ जाओ जल्दी जल्दी। पूजा यहाँ चलते, अरे चिल्लाओ मत, सुन लेगा। चलो तुम यहीं रुको। ओके सॉरी। रोड कहाँ पे है? सन यहाँ है, मतलब ये वेस्ट है। हा? फिर रोड इस तरफ होना चाहिए। सन कितनी बार बोलना पड़ेगा? क्या हुआ? और एक बार हाथ लगाया तो गालियाँ दूँगी। नहीं नहीं आप चलो, झगड़ा क्यों चाहिए?
ऐसे चलेंगे तो रोड कब आएगा? मुझे कैसे पता, ट्राई करना पड़ेगा। पता नहीं तो इस फॉरेस्ट में क्यों लेकर आए मुझे? मैं लेकर आया क्या? पकड़ के ट्रेन में खींच रहा था लेकिन एडवांटेज मतलब बोला इसलिए यहाँ पर आ गए। अब क्या कर सकते हैं? अच्छा मेरी कमर पकड़ोगे तो हाँ बोलूंगी। अच्छा, क्या इतनी अच्छी कमर है क्या जो उसको पकड़ने के लिए इतनी दूर आया हूँ मैं? मुझे सब कुछ पता है। हाथ दो। वहाँ मंदिर में तुम्हारे फ्रेंड्स छोड़ने को बोल रहे थे पर तुमने कन्विंस कर लिया। ढाबा में भी तुमने उनको कुछ कहानी सुनाकर कन्विंस कर लिया। ये सब मुझे पता नहीं है क्या? बहुत चालाकी। ऐसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। अरे बाप रे, वाह वाह। सोचा लड़की बेचारी अकेली मुसीबत में तो उसकी हेल्प कर दूं, तो इतनी घटिया सोच है। इस जंगल में अकेला छोड़कर जाऊंगा ना तब पता चलेगा। हाँ। जा जा जा, ये जंगल मेरे लिए नया नहीं है। अमेरिका में अमेज़न फॉरेस्ट में घूम। जिंदा हो या मर गई? मरने वाली हूँ, हेल्प मी धनिया। अमेज़न फॉरेस्ट में घूमने वाली थी ना, तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? प्लीज वो सब माइंड मत करो, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। नहीं वो काम मत करो, नहीं तो भगवान के पास चली जाओगी। धनिया। अरे आ रहा हूँ, रुक जाओ, क्यों चिल्ला रही हो? मुझ जैसे अच्छे इंसान को दुख पहुँचाओगी ना तो ऐसे ही होगा। लेकिन एक दूसरों के लिए कौन रिस्क लेता है? मुझ जैसा भला आदमी तो लेगा ना। धनिया कमर पकड़ो। अरे कमर है ना, फिर से पकड़ूंगा तो गालियाँ दोगी। अरे यार जो पकड़ना है पकड़ो, कुछ भी करके बस मेरी जान बचाओ। जल्दी खींचो मुझे। आ जाओ मुझे पकड़ के रखो। देखने में स्लिम हो लेकिन कितनी भारी हो, बोन वेट ज्यादा होगा। जल्दी पकड़ो यहाँ, संभल के नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। अभी जो पकड़ने को बोला वो तभी बोला होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। क्या है वो? अरे कमर। शट अप। अरे मैंने क्या गलत बात कह दी? वहाँ पकड़ने से गलत हुआ लेकिन यहाँ पकड़ने से गलत क्यों नहीं हुआ? यहाँ पकड़ने से करेक्ट हुआ लेकिन वहाँ पकड़ने से करेक्ट क्यों नहीं हुआ? पकड़ना पकड़ना ऐसा मत बोलो, बहुत अजीब लगता है। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ पकड़ना और यहाँ पकड़ना दोनों पकड़ना ही हुआ। वो टॉपिक छोड़ो, कुछ और बात करो। हाँ और क्या बात करूंगा। वहाँ कार में एक लड़की को देख के फ्लैट हो गए थे ना? राजू भैया ने बताया मुझे। आप लड़कियों को 5 मिनट क्या मिल जाते हैं तो बस यही बातें करने लग जाती हो। वो तो ठीक है लेकिन वो लड़की कौन है, कहाँ की है, फिर कहाँ दिखेगी, वो कुछ पता तो नहीं है? मुझे दिख गई। कहाँ? मतलब वो मुझे दिख जाई बोल रहा हूँ। ठीक है, वो लड़की दिख भी गई तो वो तुम्हें प्यार करेगी यानी, इसकी क्या गारंटी है? आपके नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए मेरे पास जवाब नहीं है। प्यार में यकीन करना जरूरी होता है। ये सिनेमा डायलॉग मुझे अच्छा लगा तो उसी पे फिक्स हो गया हूँ। धनिया तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारा दिमाग भी ओल्ड मॉडल है। थैंक्स। मुझे नींद आ रही है, सोने की तैयारी करो। पूजा कहाँ चली गई? पूजा आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं कितना टेंशन में आ गया था पता? किस बात की टेंशन? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? टेंशन क्योंकि वो कि फिर से गिर तो ही गई मैं। क्या? अरे धनिया पहले उस लड़की को कार में देख के फ्लैट हो गए, अब मुझे देखकर फ्लैट हो गए। तुम सारे मर्द एक जैसे हो, कोई भी थोड़ी खूबसूरत लड़की क्या दिखी बस फ्लैट हो गए। अच्छा फिर तुम लड़कियाँ हमारी बेकार सी बातें सुनकर बर्थडे और वैलेंटाइन डेज के गिफ्ट जो हमसे ले लेती हो और फ्लैट हो जाती हो। इसे एडवांटेज मत समझ लेना, आपके बारे में मैं जान सकता हूँ क्या? इफ यू डोंट माइंड। मैं अभी अमेरिका से यहाँ सेटल होने के लिए आई हूँ लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वापस जाना चाहती हूँ। आई लॉस्ट माई पासपोर्ट, वो मिलने तक कर्नूल में मेरी फ्रेंड के घर में ही रहूंगी। दैट्स इट। व्हाट अबाउट यू धनिया? मेरा नाम धनिया नहीं है, चंदू है। चंदू? फिर झूठ क्यों बोला? मेरे फ्रेंड्स बहुत ही होशियार हैं।
आजा, आजा। क्या हुआ तुम्हें? अरे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं यार, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, थैंक्स। ये लीजिए गहने, इन्हें चेक कर लीजिए। थैंक यू चंदू, तुमको सच में कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई विल रियली मिस यू, कीप इन टच। कैसे? हाँ वही, टच में कैसे? मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स मनीषा को दी है। कितनी बात करेगा, चलो भी बाय। पूजा तुम्हारी फ्रेंड आने तक वेटिंग रूम में वेट करो। वो वेट कर लेगी तो चलो बस छूट जाएगी। चलो सुबह तक दूसरी बस नहीं है। अमेरिका कॉल करना है। हेलो। हेलो गौतम, मैं पूजा बात कर रही हूँ। पूजा, आर यू ओके? या आई एम फाइन। उन लोगों से भाग कर अभी जस्ट अभी कर्नूल पहुंची हूँ। What about my passport and visa? Pooja, it's going to take another 10-15 days more. तब तक तुम कहाँ रहोगी? कर्नूल में सविता रहती है ना, उसके घर में ही रहूंगी। अरे सविता तो शिकागो आ गई है ना। Shit. फिर अब क्या करूंगी? मैं कोई भी अरेंजमेंट कर लूंगी, तुम मेरा पासपोर्ट और वीजा अरेंज करके रखो। I'll keep in touch with you, okay? Okay, take care. Bye. Bye. Thank God. क्या हुआ? मेरी फ्रेंड सविता यहाँ नहीं है, अमेरिका चली गई है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग फिर से क्यों आ गए? This is for you. मेरी याद के तौर पे तुम्हें देना चाहता था। Thank you. पूजा अब क्या करोगी तुम? गौतम 10 दिन में मेरा पासपोर्ट और वीजा अरेंज करके भेजेगा और तब तक मुझे... 10 days? 2 दिन में हमारी ये हालत हो गई है, 10 दिन में तो हमारी जान ही चली जाएगी। राजू भाई, अब पूजा मैं एडवांटेज ले रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो आइडिया? कल्याण मस्तु नाम का स्कीम रखे तो अच्छा लगेगा। सच कहूँ तो हमारे चंदू का भी कुछ ऐसा ही आइडिया था। अभी भी आप लोग चंदू के बारे में सोच रहे हैं? सपना जी की शादी उसने किस तरह से किया, मामा जी अभी तक रो रहे हैं। सुनो, अगर आपको कुछ करना है तो इस घर में शुभ कार्य करके उनके दिल को थोड़ी सी खुशी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है समझ गया हूँ, तुम्हारी शादी के लिए ना। इसको भी शादी करनी है ना। मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कौन संभालेगा इसे? कमी क्या है बोलो, डांस भी तो करता हूँ ना मैं। तेरे भी वही कमी है, ऐसा लगता है जैसे तूने जेंडर ही बदल लिया है। चुप कर जाओ, ज्यादा मत बोलो आप। मेरा डांस गंधर्व कला है, उसका अपमान करोगे तो आंखें फूट जाएंगी। शादी.com में जिसने भी तुम्हारी फोटो देखी उसकी आंख फूट गई। और हम सब जगह ढूंढ कर थक चुके हैं, अब तुम्हें कहीं से ढूंढ कर लानी होगी। आपके होते हुए शादी नहीं होगी मेरी। सच है, देखो कोई आया है। कौन आया है? जानकी, मेरा नाम आपको कैसे पता? आपका नाम ही नहीं, मुझे आपके बारे में सब मालूम है।
आपका नाम? I'm पूजा। पूजा? अंदर आओ ना, संभल के आना, गिर ना जाना। नमस्ते रघु अंकल। रघु? रघु तो मुझे सिर्फ गणपति शास्त्री जी बुलाते हैं। मुझे उन्होंने ही भेजा है अंकल। ओ आओ बेटी, आओ आओ बैठो। नमस्ते लक्ष्मी आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते राज्यम आंटी। नमस्ते पूजा। हाय सत्या। हाय। आप राघव अंकल है ना? रघुपति राघव राजा राम। मेरे दादाजी देशभक्त थे इसलिए इनके नाम ऐसे रखे। मेरी माँ का नाम क्या है पता है? स्वराज्यम। सारे घर का करती है काज्यम। हाय सोनी, हाउ आर यू? शास्त्री जी का आश्रम से आई है ना, देखा कैसे घुल मिल गई है। आई एम सॉरी, मैं क्यों आई हूँ आपको बताया ही नहीं ना। मेरे बारे में हुआ। मेरे मम्मी डैडी एक एक्सीडेंट में गुजर गए। भगवान, लॉरी ने ठोका क्या? तब से मैं शास्त्री जी के साथ ही रह रही हूँ। यहाँ गांधी मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। कॉलेज स्टार्ट होने के लिए और 15 डेज है, उसके पहले बुक्स हॉस्टल सब कुछ देखना है। बुक्स हॉस्टल ना, सब कुछ यहीं रहकर देखो। तुम क्या कहते हो? गणपति शास्त्री जी मेरे लिए भगवान जैसे हैं। जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन रहो। कुमारी, वो लगेज उस कमरे में रख दो। लेकिन उसमें तो ऑलरेडी सामान है। चंदू के रूम में रख दो। चंदू कौन है अंकल? वेरी बैड पर्सन, बैड हैबिट की वजह से भगा दिया उसको। तुम जाकर फ्रेश हो जाओगी। ओके अंकल। पापा, कोई मुझे ढूंढते हुए आएगी, आपने बोला था ना, और देखो आ गई। उस लड़की का नाम क्या है? पूजा। तुम पूजा के थाली के फूल हो। ध्यानंद करी, पराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्भूता किल पाप नाशन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, भिक्षा देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। आरती लीजिए अंकल। अभी लीजिए आंटी। आंटी, अंकल उस ट्रॉफी को देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? उन्हें बचपन से ही नाटक का बड़ा शौक है। एक नाटक में दुर्योधन का रोल किया था, स्टेट अवार्ड मिला है उन्हें, और वो भी उनके फेवरेट एक्टर एनटीआर जी के हाथों से। इसलिए तो वो ट्रॉफी उनकी जान है, रोज आते जाते देखते रहते हैं। मेरा ठुमका देखकर हिला सारा इलाका, पूजा मेरी जान। हाँ, ये यहाँ? वो यहाँ क्यों आया है पूछो उससे। बोलो। कहाँ जाना है पता नहीं चला इसलिए यहाँ आया। लेकिन शादी उसने की तो मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसके साथ तो अच्छी बात कर रहे हो ना। देखा मामा जी, पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके बैठा है। वो गलती अनजाने में कर दी। अनजाने में नहीं, बहुत प्लानिंग से किया था उसने। भास्कर से शादी नहीं हुई तो मर जाऊंगी ऐसा आखिर में बोला था। अब समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। मनी ऑर्डर भेजना भी बंद कर दिया आपने। देखिए कितना पतला हो गया हूं। डॉक्टर के पास चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे अंदर ब्लड लेवल कम हो गया। दवाई खरीद कर पीने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मामा जी, आप भी तो दवाई पीते हैं ना? दवाई मतलब आप जो पीते हो वो नहीं मामा जी, मेडिसिन। बहुत बोलता रे। और क्या, राजू भाई की हेल्प की वजह से तो अब तक जिंदा था मैं। क्या हेल्प की उसने? हर महीने तो भैया ही पैसे उसे भेजते हैं। सच में बड़े पापा? तो वो इतने दिनों तक मुझे भिखारियों की तरह क्यों ट्रीट कर रहा था? छोड़ो, उसके बारे में क्यों सोचना। आपका गुस्सा कम नहीं हुआ तो बता दो, मैं जाके फ्लाईओवर के नीचे रह लूंगा। तेरे लिए वही सही रहेगा, जा रे। अब बेटी पूजा। यस अंकल। तुम शास्त्री जी के साथ रहकर आई हो, तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा। बोलो बेटी, ऐसे इंसान को माफ करना चाहिए? एक्चुअली माफ नहीं करना चाहिए अंकल। लेकिन उसका चेहरा देखकर लगता है बाहर जी नहीं पाएगा, इसलिए उसे माफ कर देना चाहिए। तुमने कहा इसलिए उसको माफ कर रहा हूँ, उसको अंदर आने को कहो। थैंक्स बड़े पापा। मम्मी, मेरी शादी फिक्स हो गई है, जो ऐसे डांस कर रही हो। थैंक्स मम्मी जी, मेरी नहीं पड़ी है। थैंक यू डैडी। अबे डैडी मैं हूँ। ओह सॉरी। थैंक्स डैडी। अरे क्यों उसे परेशान कर रहे हो? देखा ना बेटी, उसके आने के साथ घर में खुशियां भी आ गई। मेरी बेटी की वजह से हमसे दूर हो गया था वो। बचपन से ही ऐसा है, सामने वाले की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझता है। गुड, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। बट वन थिंग, तुम्हें होशियार रहना होगा, घर में सब लोग बहुत शार्प हैं। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते ना। व्हाट? मैंने कहा इस घर में सब लोग तुम्हारे जैसे हैं। कमिंग टू द पॉइंट, क्या है? तुमको हिचकियां आती हैं? क्या हिचकी? मतलब हिकअप्स। ठीक है, लेकिन इतना हैवी करना नहीं आता। हाँ तो लाइटली करोगी तो भी कैच कर लूंगा। अब से अगर तुमको मेरे साथ बात करनी है ना, तो हिचकी आने जैसी एक्टिंग करना। इट्स अ सीक्रेट कोड बिटवीन अस।
हे भगवान, ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं तुमको? सी पूजा, मुझे तारीफ पसंद नहीं है। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, इतना बेकार आइडिया कहाँ से आता है सोच रही हूँ। क्या बेकार का आइडिया, फ्रेंड को पूछा तो सुपर बोली थी। सीक्रेट कोड सबको थोड़ी बताते हैं। क्या धनिया? अरे क्या धनिया धनिया, बोला ना मेरा नाम चंदू है। धनिया तुम्हें नहीं, तुम्हारे आइडिया को बोला बिल्कुल बेकार आइडिया है। कुछ भी हो, मैं फिक्स हो चुका हूँ, तुम भी फिक्स हो जाओ। आइडियाज आना इतना आसान नहीं होता, और एक आइडिया जिंदगी बदल सकती है। कुछ पता ही नहीं तुमको, पूरी रात प्लान किया था इस आइडिया के लिए। टेस्टिंग गुड। नमस्ते सर, आइए। खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया है। कोमा मतलब? जिंदा रहेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, किसी को याद नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा। इसको जल्दी ठीक करना होगा डॉक्टर, वरना तुम कोमा में आ जाओगे। नरसिम्हा के होश में आने से पहले जिसने इसे मारा है उसे खत्म करना होगा, पर पहले मल्लना के दर्शन। अरे हाँ, अरे क्या हुआ? इतने अच्छे लोगों को धोखा देना, ये सब मुझे बहुत गलत लग रहा है चंदू। अरे बाप रे, ये चली तो नहीं जाएगी। अच्छा सुनो, 10 दिन सेफ रहने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलकर मैनेज करना पड़ेगा, और वैसे भी धोखा देना गलत होता है, मैनेज करना गलत नहीं होता। मैंने क्या बोला अभी? मतलब मैंने अभी कुछ कहा ना? मैनेज करना गलत नहीं है। सही है ना? हाँ सही है। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो जो कर रहे हैं वो करेक्ट है, तो इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है? बेटी पूजा, कोई आ रहा है, तुम जाओ। शाबाश चंदू, कमाल किया तूने, इसे स्पीड में उसको प्यार में फंसा के परमानेंटली यहीं पर रख लेना है। चलो चलते हैं। क्या हुआ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? दादी माँ, हाँ? छोटे शास्त्री जी आए हैं। ठीक है बेटा, पंडित जी के लिए कॉफी बनाओ। ये कहाँ चला गया? तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। देखा, हिचकी बंद हो गई, इसी को हिचकी ट्रीटमेंट बोलते हैं। थैंक यू अंकल। क्या हुआ, सिग्नल क्यों दे रही हो? आश्रम से छोटे शास्त्री जी आ रहे हैं, मेरे बारे में पक्का पूछेंगे। अब क्या करना है? एक तरफ है प्यार का नाता, मैं कहीं ना आता जाता। और छोटे शास्त्री जी कैसे हो आप? तुम कैसे हो? पूजा के आने के बाद तो जिंदगी बहुत ही अच्छी है। ये पूजा कौन है? अरे वही शास्त्री जी ने आश्रम से भेजा ना, डॉगी वाली। अरे शास्त्री जी, गलती से भी इस घर में डॉगी या पपी मत बोल देना। क्या? बड़े पापा ने उसका नाम पूजा रखा है। ओ, जैसे शिवजी के लिए नंदी वैसे ही तुम्हारे बड़े पापा के लिए डॉगी है ना? ऐसे डॉगी बोल रहे हो आप? हाँ, पूजा बोलूं। हाँ, ओके ना? ओके, समझ गए ना? हाँ, नमस्कार छोटे शास्त्री। नमस्कार। गुरु जी ने चंडी यज्ञ किया था, आपके लिए प्रसाद भेजा है उन्होंने। अरे ये तो उनका प्यार और आशीर्वाद है। आप बैठिए ना। कॉफी लीजिए शास्त्री जी। ये पूजा कहाँ है? बस आई पूजा। शास्त्री जी ने पूजा के बारे में कुछ पूछा? इसमें पूछना क्या नायडू जी, आपको सौंप दिया था, आपको कैसे ख्याल रखना है पता है ना। सच क्या है कि हमारे घर में घुल मिल गई है, बहुत अच्छी लड़की है। डॉगी, पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो लोगों को ये बीमारी हो जाती है। बहुत मोटी लग रही हो। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, पर ये तो खाती नहीं है, बहुत शर्माती है। डॉगी को भी शर्माती है? सब लोग एक जैसे ही हैं। ये काटती नहीं है क्या? क्या ये क्यों काटेगी, छोटी बच्ची थोड़ी है शास्त्री जी, शादी लायक हो गई है। अरे बाप रे, इनका पागलपन बढ़ गया है। गणपति शास्त्री जी पूजा की शादी के लिए कोई रिश्ते देख रहे हैं क्या? आप देर मत करो, तुम सब लोग मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, अभी वो ट्रेन भी नहीं आया है। प्रकृति को जो मंजूर होगा वही होगा ना, उसके लिए हमें क्या देखना है, सब आजाद हैं। हाँ सही है, माँ और पिता नहीं है ना। बड़े बेवकूफ लोग हैं, इनके साथ रहूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। तो फिर मैं अब चलता हूँ। ठीक, शास्त्री जी को बोलना हमने उन्हें याद किया। अरे खाना खाकर जाइए ना। तुम क्या खिलाओगी मुझे पता है, सब्जी खिलाकर भेज दोगी, मैं पैराडाइज में दम बिरयानी खाकर जाऊंगा। रहने दीजिए, आज मेरा उपवास है, आज के दिन मैं खाना नहीं खाता। ये लड़की कौन है, इसको कभी नहीं देखा। हमारी काम वाली नाम कुमारी, बहुत अच्छे दिख रही है। अब मैं चलता हूँ जी। नमस्कार।
थैंक यू। इट्स ओके। अरे चंदू, तुझे थैंक्स बोल रही है, लगता है इंप्रेस हो रही है, धीरे धीरे पास आ रही है। मैच का क्या हुआ चाचू? हार गए, इसलिए देखा मत करो। मुझे देखने से मना कर रहे हो? हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ, दुल्हन की तरह रेडी हो रही हो। अरे चिन्ना, अब तक रेडी नहीं हुए क्या? रेडी हो रहा हूँ भैया। स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो। लेकर जा रहा हूँ बड़े पापा। किसने किया ये? तुम सबसे पूछ रहा हूँ, किसने किया ये? बताओ किसने किया, बोलो। मैंने किया अंकल। What? गलती से हाथ लग गया था। गलती हो गई? उस लोफी के बारे में पता है तुम्हें? उसकी क्या वैल्यू है पता है? शास्त्री जी के पास रहकर आई हो, किसी और के घर में कैसे रहना है पता नहीं है? ये इस घर की मेहमान है, इसे इतना काम क्यों दिया जा रहा है? पराई लड़की हो इसलिए तुम्हें ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। भैया जी, क्या हुआ? ट्रॉफी पूजा ने नहीं, मैंने तोड़ी थी। रुको बेटी, राज्यम ने मुझे सब कुछ बता दिया। सबको सच बोलने में मुझसे डर लग रहा था, लेकिन तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? अंकल, इस घर में सभी लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं और उतना ही डरते भी हैं। उस टूटी हुई ट्रॉफी से कहीं ज्यादा सेंसिटिव आप सभी लोगों का दिल है। गुस्से में आकर आप राज्यम आंटी को कुछ भी बोल देते और उनका कितना दिल दुखता, और फिर उसके बाद आपको बहुत दुख होता ना, मुझे पता है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने किया है। जो गलती की है उसे मानने के लिए संस्कार चाहिए, और किसी दूसरे का इल्जाम अपने ऊपर ले ले उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। मैंने इन सब के सामने तुम्हें बहुत हर्ट किया बेटी, इसलिए आई एम सॉरी। अंकल, रियली सॉरी। आप मुझसे सॉरी अंकल? नहीं बेटी, कई परिवारों में छोटी छोटी बातों की वजह से लोग अलग हो जाते हैं। तुम छोटी हो पर तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। टूटी हुई ट्रॉफी को तुमने हमारी फैमिली के लिए बुरी याद नहीं बनने दिया। तुम किसी पराए घर की नहीं हो बेटी। मे गॉड ब्लेस यू। मैं तभी बोलने वाला था, उस बेकार ट्रॉफी के लिए इतना बड़ा झगड़ा क्यों? वो क्या है कि मैं अपने ऊपर लेना चाहता था, लेकिन आपको मेरे बारे में पता है ना। तुम्हें तो ऊपर से नीचे डाल देना चाहिए था। आपकी इकलौती संतान चंद्रशेखर के ऊपर आपको कितना भरोसा है और आपको उससे कितनी आशाएं हैं मैं जानता हूँ। इसीलिए पूरे राज्य से सबसे अच्छी लड़की आपके बेटे के लिए खोज कर लाया हूँ। आप देखकर हाँ कर दीजिए तो ये मैच फिक्स कर दें। क्या बोलते हो बेटा? अरे चंदू, स्ट्रेट वर्कआउट नहीं हो रहा है, एक बार रिवर्स ट्राई करते हैं। आपकी मर्जी बड़े पापा। वेरी गुड, फिर फोटोज देखते हैं, आओ। हाँ जल्दी दिखाओ। देखा ना पूजा, शादी की उम्र मेरी है, मुझे छोड़ के मेरे सामने जो बच्चा है उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बचपन से यही हो रहा है, सबके प्यार से दूर होकर ऐसे अकेले जी रहा हूँ। हद भी होती है अकेलेपन की ना। कौन सी हदें पार करोगे? पूजा यहाँ पे नहीं है, वो तो कब की चली गई? तुम कब आई? पूजा चली गई ना तभी। लेकिन पूजा कब गई? तुमने शुरू किया ना तभी। इस लड़की का नाम भवानी है, इसका बाप मिनी अंबानी। इतना रिच है? उसको भी नहीं पता उसके पास कितना पैसा है। कलर व्हाइट है लेकिन कमाई ब्लैक है। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है। सुनो, ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, माइक वगैरह सब सेट है, बात कर लो। 30 दे सकते हैं, वो भी उस लड़की को नहीं, लड़की के पीछे जो अंबानी है उसके लिए। नाम अपर्णा, US की पैदाइश। नो निकनेम्स, नो ब्रदर्स, नो बैड हैबिट्स। फादर IPS, मदर IAS। यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू से यस। यू आर राइट। आंखें बंद करके 90 मार्क्स दे दो। शाबाश। अरे बाप रे। अरे कहाँ जा रहे हो? बाथरूम जाके आता हूँ और फिर रिजल्ट बताता हूँ। कहाँ जा रहे ये दोनों? इम्पोर्टेंट काम में ऐसे सिग्नल क्यों दे रही हो? कैसे इंसान हो तुम? मैंने क्या किया? तुमने कहा था ना तुम एक लड़की से प्यार करते हो। बोला था तो फिर?
उस लड़की का वेट ना करके तुम ये सब कर रहे हो। अब उस लड़की को मैं कहाँ ढूंढूंगा, वो मिलेगी इसकी गारंटी भी नहीं है, मिलने के बाद प्यार करेगी ये भी गारंटी नहीं, बस उसको देखा और भूल गया, ऐसे ही चलना है। चलो। हे, रुको। क्या हुआ? एक फोटो देकर फिक्स हो जाओगे क्या? तो फिर कैसे फिक्स करना है? सबसे पहले उस लड़की को डायरेक्ट देखो। हाँ। देखने के बाद लगना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए ही बनी है। उस लड़के के लिए कितनी भी रिस्क लेने का मन करना चाहिए, और उस लड़की के लिए अपने घर वालों से झूठ बोलना भी सही लगना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ उस फोटो वाली लड़की में दिख रही है मुझे। ए, इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आता तुमको, कैसे इंसान हो तुम? अरे क्या डरा रही हो मुझे, मैं किसी से भी शादी करूँ तुमको उससे क्या? हम फ्रेंड्स है ना, इसलिए हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम किसी अपलामा से शादी करोगे तो मुझे क्या? सॉरी, उस लड़की का नाम अपलामा नहीं है, अपर्णा है। अपर्णा? आओ बेटा आओ, तुम्हारी खुशखबरी के लिए वेट कर रहे थे। तो फिर तुमने बाथरूम में क्या सोचा? नहीं बड़े पापा। हाँ? अरे पर तुमने तो अभी अभी 90 मार्क्स दिए थे उसे। पढ़ाई में 90 मार्क्स तो ओके हैं, लेकिन जिंदगी के लिए 100 चाहिए ना। तो फिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुझे उसे देखते ही लगना चाहिए कि मेरे लिए पैदा हुई है ये। हाँ? 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 ऐसा लगना चाहिए कि उसके लिए कितना भी बड़ा रिस्क ले लूं। हाँ? उसके लिए घर वालों से भी झूठ बोलना गलत नहीं लगना चाहिए। अरे चंदू, मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में? गुस्सा आया तो गुंडा बनकर मारूंगा तुमको। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज के लिए गुंडा सूट नहीं होगा, क्या मैटर है बोलो? मैटर क्या है पूछ रहे हो? तब मेरी बहन की शादी खराब की, अब मुझे ढूंढते हुए आई पूजा को मुझसे अलग कर रहा। मामा चल। चल मर गया मेरा। ठीक है, मेरी बात सुनो, पूजा आपको ढूंढते हुए नहीं आई है, मैंने ही उसको यहाँ भेजा। रमेश ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो क्या है ना कि ये बॉटल टूटी जैसे मेरा दिल। मैंने तुमको देखा। कुमारी, था तुम... घर वाले कहाँ हैं? वो गणपति जी के आश्रम गए हैं भैया। ओ, वो लड़की का नाम पूजा, पूजा कहाँ है? पूजा को भी अपने साथ लेकर गए हैं। अब पूजा, चंदू तुम्हें पसंद है ना? बोलो बेटी। अरे लड़कियां शर्माती हैं, ये क्या बताएगी? देखो बेटा, हम गणपति शास्त्री जी के पास तुम दोनों की शादी की बात करने ही जा रहे हैं। हाँ, उतरो, उतरो, आओ 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 आओ। बेटी पूजा, इस पानी में स्नान करने से हमें जो चाहिए उसकी प्राप्ति होती है। हाँ, आप सब स्नान करके आइए, मैं शास्त्री जी के पास जाके अभिषेक की तैयारी करता हूँ। सुनो, तुम ध्यान रखना। चलो बेटी चलो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्वः। नमस्ते शास्त्री जी। रघु बैठो, सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक ही है शास्त्री जी, आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूं। क्या है बोलो। मेरी भेजी हुई लड़की, मैंने तो किसी को नहीं भेजा था, कहीं ना कहीं गलत फहमी हुई है रघु। कौन लेकर आया? आपको मैं चाहिए ना, तो चलिए। भैया कौन है ये लोग? मल्लना, आपके दर्शन करते ही मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई।
उसका वीजा और पासपोर्ट आने तक मैंने ही उसको कन्विंस करके झूठ बोलकर यहाँ रहने दिया था। बेटा, तुम उस लड़की को पसंद करते हो ना? देखिए, मुझे तो इस वक्त बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बेचारी पूजा किस हाल में होगी। पूजा, मेरी इस बात को कान खोल के सुन लो। अगर ये लड़की घर से बाहर गई तो जान से मार डालूंगा। प्लीज मामा जी। अरे, जितना पैसा चाहिए था तुम लोगों को दे दिया, जितनी गाड़ियाँ चाहिए थी उतनी गाड़ियाँ भेज दी। इतना ही तो कहा था, जाकर उसको लेकर आओ। अब आकर बोल रहे हो कि पैडी नायडू को वो मिल गई है? तू बेवकूफ कहीं के। हम बहुत कोशिश किए भैया, लेकिन कहीं नहीं मिली। अब कहाँ करें? नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? जवाब दे। रुक जा। इसे मारने से क्या मिलेगा? पता है ये हमारा गुलाम है, हमें किसी भी हाल में चाहिए। पूजा। और सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए। आपसे गुजारिश है प्रभु, आपकी बहू आपको मिल गई। अगर आप आज्ञा दे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। हैप्पी सर, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी सर। सर, इतने दिन आपका नमक खाया, गोबर भी उठाया मैंने। मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ सर, पूजा को ले जाने वाला धनिया बहुत ही चालाक आदमी है सर। वो दोबारा कभी भी आ सकता है, लेकिन आप लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। उसे पहचानने वाला तो जा रहा है। रुक जाओ। क्या हुआ सर? तुमने जो कहा वो सही है, उसके आने तक तुम यहीं रुको। सर, ऐसा अन्याय मत कीजिए। इसी को फटे में टांग अड़ाना बोलते हैं, समझा? दामाद जी। हाँ ससुर जी। पंडित से कहकर शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकलवाओ। ठीक है। इसकी और पूजा की शादी करवानी है। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बाबू जी? दोष है रे, जब तक वो दोष जाएगा नहीं तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। दोष का निवारण करना पड़ेगा। सब लोग तैयारी में लग जाओ। फेंको। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। उस दिन वो लड़की के बारे में बताया था ना मैंने, वो लड़की मिल गई है, तो उसकी फोटो तुम्हें दिखाने के लिए आया हूँ। देखो देखो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, उसकी एक वजह तुम्हारी फैमिली भी है। तुम्हारे जैसी मेरी भी एक फैमिली है। मेरी माँ अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मेरे पापा ने अपने बहनों की शादी मेरे मामाओं से कर दी और वो सब खुशी खुशी एक साथ प्यार से रहते थे। फिर उसके बाद पापा बिजनेस की वजह से अमेरिका सेटल हो गए। मेरे माँ पापा दुनिया में चाहे कहीं भी रहें, पर असल में उनकी पूरी दुनिया तो ये गाँव, ये फैमिली है। मेरे पापा चाहे कितने भी बिजी हों पर हर साल यहाँ आते थे। जब हम सब साथ होते थे तब एक त्योहार की तरह लगता था। मेरी मामी तो मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे मामा मामी मेरा बर्थडे वहाँ पर ही सेलिब्रेट करते थे और मम्मी पापा इससे बहुत खुश होते थे।
अचानक से मामाओं के बीच प्रॉपर्टी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मम्मी पापा उन्हें मिलाना चाहते थे, इसलिए वो मेरी शादी उसी फैमिली में कराना चाहते थे ताकि सब फिर से ठीक हो जाए। पर ऐसा होने से पहले ही वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए और मैं अमेरिका में अकेले नहीं रह पाई, इसलिए अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए मैं यहाँ चली आई। मालिक, सभी आ रहे हैं लेकिन आपकी बेटी नहीं आ रही। चुप करो, तुम्हें पता नहीं वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरे घर की होने वाली बहू है। मालिक, ये बहुत बोल रहा है। भौंक रहे हैं, भौंकने दो। हे, आ गई पूजा। पूजा, ओ हाय, कैसे हो आप? अच्छा हूँ, चलो। यहाँ कहाँ? चलो बताऊंगा। पापा, पूजा मेरे पास ही है, आप लोग आ जाओ। ठीक है, चलो। पापा, ये लोग तो भाग रहे हैं। भागेंगे ही ना, हमको देखकर उनको ये आया होगा। रुक जाओ, घर जाके आराम करो। मैंने पहले ही कहा था ये भौंकेंगे। मालिक, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। चुप, बेवकूफ कहीं के। कैसी है पूजा बेटी? मामी जी, मैं ठीक हूँ। पेड्डी नायडू जी, अपने बहू को अपने घर पर लाकर आपने अपना पावर दिखा दिया। रुक जाओ, तुमने कहा था यहाँ कदम नहीं रखोगे, फिर क्यों आ रहे हो? तुम्हारे घर में कदम रखने के लिए ये कोई ताजमहल है क्या? मेरी बहू को धोखे से यहाँ लाए हो, मैं उसे वापस ले जाऊंगा, भेजो उसे। बकवास बंद करो, दोबारा अगर ऐसी बात की तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग होगा। हाँ, हम भी कोई चूड़ियाँ पहनकर नहीं आए हैं, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम उसे काट डालेंगे। मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। आप दोनों झगड़ा करेंगे तो आपकी इज्जत जाएगी। जैसे आपके पिताजी 15-15 दिन आपके घर पर रहते हैं ना, वैसे ही ये लड़की भी रहा करेगी, क्या बोलते हैं? तुमने अभी जैसा कहा वैसा ही करो। आप क्या बोलते हैं? मेरी बात ध्यान से सुन लो, 15 दिन के बाद मेरी बहू मेरे घर में होनी चाहिए, चलो रे। चलिए ठीक है, मेरी बात वो मान गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी बात पे ही मैं शांत हो गया काउंसलर। 15 दिनों के अंदर ही इस लड़की की अपने बेटे से शादी करवा के इसे अपनी बहू बना के रहूंगा। इस तरह मामा जी ने मेरी शादी जबरदस्ती फिक्स कर दी थी और तभी आप लोग आकर मुझे मेरी शादी से उठा कर ले गए। पूजा, क्या करें? समझ गई ना, जो कहा है वो करो। लेकिन चंदू, मैं हूं ना। क्या हुआ? मामा जी, मैं छोटे मामा जी से भाग कर आ रही हूँ। चलो आ जाओ। उनके बारे में इंक्वायरी करने के बाद हमें ये पता चला कि उनके दोनों फैमिली के लिए एक ही ऑडिटर हैं। उनके बैंक के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उनके गांव से बल्लारी आता है। हेलो, एक चाय उसे भी दे। उनका नाम है मिस्टर मूर्ति। मूर्ति, अभी वो यही काम कर रहे हैं, लेकिन पहले वो फॉरेन में काम किया करते थे, लेकिन अब वो यहाँ सेटल्ड हो गए हैं, छोटे मोटे घोटाले करते रहते हैं। हेलो, मिस्टर मूर्ति स्पीकिंग। हाँ बोलो। इतना पैसा लेकर गए हैं, सब कुछ ठीक है ना? इतने पैसे लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं, 25 लाख ही तो हैं। फोन रखो, बेकार में कॉल किया। गुरुजी, एक डीडी फॉर्म देना। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आपकी शर्ट पे स्याही लगी है। स्याही? हाँ। हे, मेरा सूटकेस कहाँ गया? मेरा सूटकेस यही था। अरे, सूटकेस कहाँ चला गया? मेरा सूटकेस खो गया सर। यहाँ तो नहीं है। मेरा सूटकेस कौन ले गया? मेरा सूटकेस कहाँ गया? किसी ने मेरा सूटकेस देखा क्या? मेरे पैसे थे उसमें, पूरे 25 लाख रुपए थे। सेठ जी को पता चला क्या? भाई, अब यहाँ चिल्ला के क्या फायदा, बाहर जाके ढूंढो ना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शर्ट पर स्याही लगी, ऐसा क्यों बोला? मारूंगा। क्या होगा? ए, सुक्कू। हाँ। कहाँ चली गई? सुक्कू, क्या हुआ जी? सारा सामान पैक करो। क्यों? क्यों क्या? 25 लाख रुपए चोरी हो गए। 25 लाख? सेठ जी को पता चला तो मैं तो गया। लगता है वही है। जाकर देखो, मेरे लिए पूछे तो कहना मैं नहीं हूँ। जाओ जाओ जाओ।
कृष्णमूर्ति जी का घर यही है? मुझे पता नहीं, वो घर पर नहीं है। उनका सूटकेस मिला ही है। मुझे पता नहीं, वो नहीं है। इस सूटकेस पर उनका नाम और घर का एड्रेस लिखा है ना, तो इसलिए। मुझे पता नहीं, तुम जाओ अभी यहाँ से। रुको रुको, यही सूटकेस है। चलो अंदर आओ। क्या हुआ सर? अरे चलो। रामा रामा, सब कुछ ठीक तो है ना सर? सब कुछ ठीक है मेरे भाई। ये तुम्हें कहाँ मिला? बैंक के बाहर चाय पी रहा था तो एक आदमी सूटकेस लेकर भाग रहा था, उस पर डाउट हुआ तो पकड़ लिया। इस पे आपका नाम और एड्रेस था तो मैं लेके आ गया। उसने तो मेरे पैसे चोरी किए, लेकिन तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रशेखर राव सर, लोग मुझे चंदू बुलाते हैं। ये लो, ये 10 रुपए रखो। इतने पैसे नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा खाना है तो खिला दो मुझे। अरे इतना ही? सुको, हाँ? रात का खाना जो फ्रिज में पड़ा था, डॉगी को खिला दिया क्या? फ्रिज में ही है जी। ठीक है, इसे खिला दो, ये लाओ। 10 रुपए भी बच गए। लगता है काफी दिनों से खाना नहीं खाया, कहाँ से हो? ऑलमोस्ट सही है सर, मैं चित्तौड़ से हूँ। पढ़ाई लिखाई की है क्या? ईमानदारी और सच के साथ सीएम एंटर किया था मैंने। हाँ क्या, फिर यहाँ क्यों आए हो बेटा? यहाँ मूर्ति बोलकर एक बड़ा ऑडिटर है, हम युद्ध के लिए वही इंस्पिरेशन है, तो उन्हें कन्विंस करके असिस्टेंट का जॉब करने आया हूँ। तुम बहुत लकी हो यंग मैन। वो क्यों सर? जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो मूर्ति मैं ही हूँ। सर आप मैकडॉनल्ड मूर्ति हो? तुमको एक और शॉकिंग बात बताऊं? क्या सर? तुम्हारा जॉब कंफर्म हो गया। सर, थैंक यू सर। बैठ जाओ, ज्यादा एक्साइट हो गए तुम। सर, आप तो बहुत ही यंग लगते हो सर। हाँ, सोडा यहीं रख दो, तुम जाओ। यंग मैन, सर हमको टेंशन कुछ नहीं है रे। सर, हमारी कंपनी में दो ही क्लाइंट्स हैं, एक पेटी नायडू, दूसरा चिट्टी नायडू। दोनों फिंगरप्रिंट हैं सर, मतलब दोनों अनपढ़ हैं रे। अच्छा सर, बताओ साल में इनकम टैक्स कितनी बार पे करते हैं? 4 बार है ना सर। मैं मंथली 1 बार पे करने को बोलता हूँ। ये तो पाप है ना सर। पापियों का पैसा चोरी करना कोई पाप नहीं होता। मतलब आप रॉबिन हुड टाइप हो गए सर। अब उन बाहर से योगी है और अंदर से भोगी है क्या? वो तो दिख रहा है सर। कल से तुम्हारी लाइफ का नया स्टार्ट हो रहा है, दही खाओ। सर, रुको, पहले इससे टकराओ। चीयर्स, जियो मजा नी लाइफ। पीने का, खाने का और मजा लेने का, मजा नहीं लाइफ। ऐसे ही मारो। चिट्टी नायडू जी, मुझे माफ कर दो, मेरे बीबी और बच्चे हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, कसम खा के कहता हूं। अरे छी, मेरे को जीरो देते वक्त तुमको बीबी और बच्चे की याद नहीं है क्या? उसके पेट पे मारो। आपने गलत लिखा था तो मैं क्या करता? मैंने गलत लिखा क्या? हमारे राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल जी है। फिर लास्ट टाइम अब्दुल कलाम बताया था ना? तब वही थे बेटा, अभी चेंज हो गए हैं बेटा। वो बदल गए तो मेरी गलती है क्या? उसके लिवर पर मारो। और मारो उसको, मुझे जीरो देता है। क्या हुआ है मेरे शेर? मास्टर जी को ऐसे क्यों मार रहे हो? ऐसा क्या किया है उसने? दादाजी, मेरे को जीरो मार्क दे के हमारे वंश की इज्जत बर्बाद किए हैं। मारो उसके तकलीफ पर। ए, बेटा जहाँ जहाँ बोल रहा है वहाँ वहाँ मारो। चिट्टी नायडू, कमीने, इंसान हो या जानवर, मास्टर जी को मारते हो? बेवकूफ कहीं के। माँ, चिट्टी, हमारे वंश में औरतों को मर्द के मैटर में घुसना मना है, जाओ अंदर। मास्टर जी को नहीं छोड़ाना तो तुम्हारे खाने में सॉल्ट की जगह साइनाइड मिला दूंगी, मर जाओगे फिर। कमीने चिट्टी नायडू। अच्छा, ये पक्का मिला देगी। ए सुनो, उस मास्टर को छोड़ दो। ए मास्टर, भागो यहाँ से। जाओ जाओ, लेकर जाओ। बेटी, तुम्हारा भगवान भला करे बेटी। अरे बेवकूफ, स्कूल का टाइम हो रहा है, चल। अरे बेटा क्या है ये, अपनी बीवी को आगे करके मुझे जी भर के गालियाँ दिलवा रहे हो? अरे रे, ऐसा नहीं है ससुर जी, आप तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। गालियाँ तो इस कमीने चिट्टी नायडू को दे रही हूँ। आपके लिए मैं कॉफी लेकर आऊँ क्या ससुर जी? अरे कुछ भी लेकर आओ बेटी, बस जहर मत डालना तुम। ये क्या? मैसेज आया है सर। सेलफोन तुम्हारा है? इंस्टॉलमेंट में खरीदा है सर। जैसे भी खरीदा हो इसे यहाँ यूज मत करो। ठीक है, चलो अंदर रखो। सॉरी सर, चलो। मैं मिस्टेक लेकर आया सर। ये सब छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? क्या होगा भाई, आप ही को मिलेगा ना। क्या है ये? खाइए तो, हम गरीबों का प्यार है। ये कौन है? हमारा आदमी है, असिस्टेंट का काम करने के लिए। नमस्ते रखा सर, नमस्ते। मूर्ति, बाहर वालों को धंधे में लेकर मत आना, कितनी बार बोला है तुमको, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ये बाहर का आदमी नहीं है, ये मेरा भांजा है। तुम्हारा भांजा है? चाहिए तो देख लो, दोनों एक जैसे दिखते हैं, बचपन से एक जैसे हैं। बड़े होकर मैं भी आपकी तरह हो जाऊंगा। चुप रहो तुम। भांजा है इसलिए रखा है या इसके पास दिमाग भी है? दिमाग? अमेरिका में शिकागो सुब्बाराव नाम का एक करोड़पति है, 500-600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका अकाउंट ये देखता है। सही कहा ना? मैंने कब देखा मामा जी? क्या कह रहे हो, मेरे कहने पर तुम ही तो वो अकाउंट देख रहे थे। हाँ। इसे साथ इसलिए लाया कि मेरी गैरहाजिरी में ये काम संभाल सके। आपको पसंद नहीं आया तो वापस भेज देता हूँ। अरे मूर्ति, तुम ऐसे नाराज क्यों हो जाते हो? औरत हो क्या? अरे
अरे देखो मेरा शेर आ गया। हाँ, क्या वो मूर्ति? नमस्ते छोटे भाई। हाँ, ये कौन है? मेरा भांजा है। क्या रे, नमस्कार करने का संस्कार नहीं है क्या? मर जाओगे। क्या बोला रे? मतलब अपने से छोटे को नमस्कार करो तो वो जल्दी मर जाता है, ऐसा कह रहा था। आप बोलते तो मैं करता हूँ नमस्कार। नहीं छोड़ो, ए मूर्ति झुको। आज रहने दो छोटे भाई। मूर्ति, स्कूल का टाइम हो रहा है, झुको। भांजे के सामने झुकेगा नहीं क्या? कैसा लगा मूर्ति? दुनिया घूम के मजा आया? बहुत मजा आया। क्या रे मूर्ति, तुम्हारे सर पर मारने के बाद मेरे शेर को जो खुशी मिलती है वो करोड़ों रुपए से मिलती है क्या? नालायक। इसीलिए तो मेरा ये शेर कह रहा था गधे को पालना है, तो मैंने कहा अरे अपना मूर्ति है ना। ए चिटी नायडू, कमीना कहीं का, ये टिफिन लेकर जा। 10 लोगों का खाना खाता है, पता नहीं किसकी तरह बनना चाहता है। ये भी कैसी जिंदगी है मेरी, रोज रोज मुझे दुखी करने से अच्छा है कि एक बार में जाकर मर जाओ ना। चिट्टी नायडू। बेटा शेरू, तुम जाओ ना। दादाजी, पीछे वाले बेंच की लड़कियां मुझे देख देख कर हंसती हैं। ढोलक जैसे वो हंसेंगी नहीं क्या? चुप करो तुम। अच्छा बोलो शेर, क्या कह रहे थे? मेरे को डाउट है कि ये लंबे लंबे बाल देख कर वो मुझ पर हंसती है, आप परमिशन देंगे तो? शेर! क्या हुआ? वो बाल नहीं है रे, हमारे वंश का गौरव है ये। चाहो तो जो हंस रहा है उसका गला काट दो, लेकिन ये बाल कभी मत काटना। बाल मत काटना मेरे शेर, ये मेरी आज्ञा है। ऐसा क्या दादाजी? ठीक है दादाजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, जाओ जाओ। ये तो घर में रहता है, इसको क्या पता मेरे प्रॉब्लम्स। अब ये बुड्ढा भी आ गया। दादाजी को प्रणाम। ऐसे करने वाले पे यकीन नहीं करना। इसको नमस्कार नहीं, इसका पिंडदान करना है। भैया जी, इनकम टैक्स पे करने का टाइम हो गया है। कितना? बहुत सारी फाइल्स देखने के बाद 15 लाख हुआ है। जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा तो जा रहा है। अरे क्या है ये? क्या बात है नागप्पा, ऐसे क्यों दौड़ रहे हो? पापा, मैंने अभी वही आवाज सुनी, मुझे पीछे से जिसने मारा था वो यहीं कहीं है। मतलब हमारी लोगों में से ही कोई पैडी नायडू के लिए काम कर रहा है। किसी को बोलना मत, वो सतर्क हो जाएगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसका गला काट कर मार देंगे। अंदर बहुत ही अच्छे से मैनेज किया सर। बेवकूफों को इस तरह मैनेज नहीं करोगे तो मर जाओगे। लेकिन वो मोटा आपको मारता कैसे सर? पीछे मत देखो, मुझे बहुत दुख हुआ सर। लेकिन उसके बदले 15 लाख का टैक्स तो ले लिया। आप सच में ग्रेट हो सर। वो ठीक है, तुम आंखें फाड़ कर मुझे क्या देख रहे थे? टेंशन हो गया था ना सर। कैसा टेंशन? मैं सिचुएशन के हिसाब से कभी भी झूठ बोल सकता हूँ, तुम्हें बस फॉलो करते जाना है। आई बात समझ में? समझ गया। क्या समझे? वही आपको फॉलो करना है। हाय संतोष, कैसे हो? कैसा हूँ, मजे कर रहा हूँ तुम्हारी वजह से। तुम्हें लिफ्ट देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज हैदराबाद में वीकेंड मना रहा होता, इसलिए मेरे दिमाग में एक आईडिया आया है, उसे फॉलो करो तो तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। क्यों संतोष, क्या हुआ? नहीं सर, वो गोबर उठाते उठाते थोड़ा टाइम लग गया। पूजा बेटी को उठाने वाले को ढूंढ रहे ना आप? अगर आप शादी की फोटो दिखाएंगे तो मैं पहचान लूंगा उसे। फिर इतने दिनों तक तेरा दिमाग कहाँ था? फोटो लेकर आ। इसकी शक्ल खराब है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो सर मिल गया सर, ये वही लड़का है सर, 100% ये वही लड़का है सर। ये हमारे गांव का नहीं है। ए, सच में यही है क्या? नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, ये लड़का वही है, दूसरा नहीं हो सकता। सर क्यों चिल्ला रहा है? आपसे मिलने कोई आया है? ये लड़का जहाँ भी हो ढूंढ कर ला। ठीक है, कहाँ चली गई? अभी तू जा। चला जाऊंगा सर। सर आपसे मैं एक बात दोबारा कहना चाहूंगा, धनिया बहुत ही डेंजरस आदमी है, वो ये शादी नहीं होने देगा। सर मैं आपका भला चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ सर। रुक जा। क्या हुआ सर? तुझे जब उस लड़के के बारे में इतना पता है तो तुझे उसकी शादी होने तक यहीं रुकना होगा। आपने कहा जाओ। मैं कह रहा हूँ ना तुझसे, एक बार कहते हैं चले जाओ, दोबारा कहते मत जाओ, यही नहीं चलेगा सर। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं। सर मेरी भी फैमिली है, मैंने माँ की कसम खाई है, कहीं वो मर ना जाए। क्यों रे मूर्ति, शराब का ठेका चिट्ठी को कैसे मिला? वो ठेका आपके लिए बहुत छोटा था, आपके लिए बड़ा ठेका तैयार किया है भैया, इसीलिए वो छोटा ठेका उसे देकर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। हाँ सर, ये लड़का कौन है?
मेरी बहन का लड़का है चंदू। नमस्कार सर। अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, अमेरिका में शिकागो सुब्बाराव नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका अकाउंट देखता है। दरअसल चिट्टी नायडू जी की नजर इस पे थी, अपने पास ही रखना चाहते थे, मना कर दिया। दोनों के अकाउंट्स देखेगा बोलकर यहाँ लाए। दोनों के अकाउंट्स यही देखेगा? देखने में छोटे बच्चे जैसा लगता है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। शिकागो सुब्बाराव का भी डल्लास नागेश्वरा नाम का एक भाई है, उन दोनों का अकाउंट्स यही देखता था। टैक्स काटने में भी एक्सपर्ट है, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ आपके पास लाया हूँ भैया। क्यों रे सर, तेरे मामा की बात सही है, आप भी तो देखोगे ना सर। अकाउंट्स कंप्लीट कर दिए हैं, आप चेक कर लीजिए, टैक्स भरना पड़ेगा। ये सब मुझे कैसे पता? हिसाब किताब तुम्हें देखकर निकालो। ऐसे अंधे जैसे यकीन करना गलत है। क्या बात है बेटी? पढ़ने के लिए कोई बुक नहीं थी तो मैंने लास्ट ईयर का ये अकाउंट रजिस्टर चेक किया। मूर्ति जी के दिखाए अकाउंट्स में बहुत मिस्टेक्स हैं। कौन सी गलती नजर आई? 13 रुपीस, 13 रुपए मामा जी। क्या कह रही हो, सिर्फ 13 रुपए? आज के 13 रुपए मतलब कल के 13 लाख रुपए होंगे मामा जी। सही कह रही है, इस बार जब तक पूजा अकाउंट्स चेक नहीं कर लेती टैक्स पे नहीं होगा। ओके भैया जी। ये कौन है, असिस्टेंट है क्या? हाँ मैडम। इंग्लिश आती है ना? आती है मैडम। यहाँ आओ। जाओ। अकाउंट डिटेल्स लेकर अंदर आओ, देखना है मुझे। इसे पटाकर मैनेज कर लेना। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, आपने कहा वही समझ रहा था। जाना, देख रहे हो दामाद जी, पढ़ी लिखी बहू कितनी फायदेमंद होती है, कभी कभी वो घाटा भी देती है। क्यों, अकाउंट्स देखना चाहती हो? अकाउंटेंट जैसा दिखता हूँ क्या? वो नहीं चंदू, मैं जब मामा जी से बात कर रही थी तो हाथ डाल रहा था, पहले उसका अकाउंट सेटल करो। उसका अकाउंट तो मैं सेटल करूंगा, पहले मेरे अकाउंट के बारे में कुछ करो ना। चंदू क्या पूछ रही होगी, ये क्या जवाब दे रहा होगा? प्लीज चंदू। चंदू क्या हुआ? अरे रे रे रे, अनर्थ हो गया। अरे चंदू तू नहीं ना? अरे ये सब मेरी गलती है। क्यों भाई मूर्ति, तुम्हारी गलती पकड़ी जाएगी, डर रहे हो क्या? मेरी भांजी कोई मामूली लड़की नहीं है। मुझे भी अभी पता चला। आ जाओ। हाँ चलिए चलिए। भैया जी अब क्या हो गया मूर्ति? वो कुछ याद आया, भांजे को बताना था। लोग देख लेंगे, चलो। अभी नहीं बताया तो भूल जाऊंगा, बता कर आता हूँ भैया जी। जो प्रॉब्लम होगी मैं बता दूंगा, चलो आओ। मर गए मर गए। पूजा बेटी, पूजा मेरे लिए बच्चों से भी बढ़कर है बेटा, वो जहाँ भी रहे खुश रहे यही चाहती हूँ मैं। मेरी बात मानो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। आंटी आप पूजा को जितना प्यार करती हैं, पूजा भी आपको उतना ही प्यार करती है। मेरी वजह से आप लोग दूर हो जाओ ये मुझे पसंद नहीं है। उसकी माँ और पापा के हिसाब से आपके सामने ही हमारी शादी होगी। लेकिन ये ना समझ लोग हैं बेटा, ये लोग नहीं समझेंगे। हाँ तो उनको समझाने जैसा समझाएंगे ना, मुझ पर छोड़ दीजिए। अंदर बहुत अच्छे से मैनेज किया। मैंने क्या मैनेज किया रे, अकाउंट्स देख रहा था कि बैलेंस शीट बना रहा था। मैंने क्या मैंने किया सर? क्या किया, थप्पड़ मारूंगा अगर एक भी शब्द निकाला तो। दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिरे हुए थे। लड़की पहले मेरे ऊपर गिरी। सुन, बड़े बड़े लोगों के घर में ये सब नॉर्मल है, लड़की तुझ पर गिरे या तू लड़की पर, मार हमें ही पड़ेगी, समझा? कर ले आराम से, बाय बाय कर ले। चल यहाँ से, अब चुपचाप स्कूटर चला और आगे देख, पीछे मत देखना। अरे तेरी स्टैंड पर से तो उतर, आगे कैसे जाएगी? क्या हुआ? कोई देख लेगा बाबा। फिर क्या करें? हाँ सिनेमा चलते हैं क्या? ओहो मतलब सब कुछ सिनेमा हॉल में? हाँ अरे क्या कर रहे हो? ये क्या, तुमने तो हॉल में बोला था ना। भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आओ ना। बॉस पॉपकॉर्न देना। सर चिल्लर सर। रख लेना। कौन है? कौन हो तुम? क्रेश। क्रेश हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सिनेमा दिखाने के लिए। क्या कहा? हाथों में खुजली हो रही है ना, जो लड़कियों को छू रहे हो वही कम करने आया हूँ मैं। तू क्या कम करेगा रे, मारूंगा तो दांत टूट जाएंगे। ट्राई ट्राई क्या? Oh!
कैसे मार सकता है जी, वो तो सिनेमा में है ना। सारे सीन में होता है क्या, पता है इंटरवल में आके मारा उसने मुझे। जो मार खाया वो झूठ क्यों बोलेगा। अरे वो तो ठीक है, पंडित ने 14 तारीख को शादी रखी है, इन हाथों से ये मंगलसूत्र कैसे बांधेगा। हेल्प करूं क्या सर। हा? नहीं नहीं, मैं खुद ही बांधूंगा। मामा जी। हा? माँ कल रात सपने में आई थी और बोल रही थी कि इनसे ही शादी करो, जल्दी से वो मुहूर्त निकालिए ना प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दामाद जी पंडित से कह दो उसने जो मुहूर्त बताई है वो कंफर्म। ठीक है ससुर जी। ए असिस्टेंट मैडम तुम अंदर चलो, अकाउंट्स देखना है। हाँ, ए, रुक। अरे मैडम एक हफ्ते में आपकी शादी है, अकाउंट्स देखना जरूरी है। हाँ जरूरी है, तुम जाओ। जरूरी है मामा जी। क्यों रे मूर्ति, तू अकाउंट्स की बात सुनते ही बहुत डर रहा है, आखिर बात क्या है। कुछ बातें बता नहीं सकते, ऐसा बोलकर चुप भी नहीं रह सकते। नायडू जी नरसिम्हा को होश आ गया है। क्या बात है सर, अस्पताल में आए हो, टेस्ट करवानी है क्या। तुम्हें क्या लेना देना, चुप रहो। अरे वो नहीं मामा, आपके भी तो टेस्ट करवाने हैं ना। सिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम को आने के लिए बोलो। आपको देखिए तो गुस्सा क्यों कर रहा है। मुझे क्यों गुस्से से देखेगा, देखिए आपको ही गुस्से से देख रहा है। पागल हो गए हो। देखिए सर ये मामा को गुस्से से देख रहा है। हो गया क्या, मैंने ऐसा क्या किया। लगता है आपने उसका कुछ बिगाड़ा। पर मुझे गुस्से से क्यों देखेगा। आप लोग बाहर जाइए, आप लोग यहाँ रहेंगे तो पेशेंट फिर से कोमा में चला जाएगा, वापस कोमा में चला जाएगा। चलिए चलिए मामा जी, चलिए आपको बाहर समझाता हूँ। चलिए नायडू जी आप भी बाहर जाइए प्लीज। नरसिम्हा तू परेशान मत हो, डॉक्टर इसे जल्द से जल्द ठीक करो। हम लोग यहाँ मिले हैं ये बात घर में ना पता चले। उसने कहा है तो कुछ कारण तो जरूर होगा। कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए दीदी। कैसी हो तुम। मैं ठीक हूँ, एक ही जगह रहकर भी कितने दिनों तक मिल नहीं पाते हैं, आज तुम्हारी वजह से मिल पाए बेटा। आप भी जाके दर्शन कर लीजिए छोटे मालिक। इतना दूर कौन जाएगा रे। तो फिर घर में रहते हैं, यहाँ कहाँ आए। धूप है ना मालिक इसीलिए। वो क्या है, मेरी दादी बाहर जाएगी तो अपनी दीदी से मिलेगी, ऐसा मेरे दादा को डाउट है। इसलिए मुझे भेजता है। रुको, अब सब लोग अचानक से मिले या प्लान करके मिले। अरे चिट्टी कैसे हो बेटा। हाथ हटाओ चिट्टी। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। हट, साइड में है तो साइड में रह। हमारे परिवार के झगड़े के बारे में तुझे क्या पता। ए, ज्यादा बात करेगा तो प्रसाद में पॉइजन मिला के दे दूंगी, बेवकूफ कहीं का। गाड़ी में बैठ। आप बुरा मत मानना सासू माँ, बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, कब सुधरेगा पता नहीं। चिट्टी रात को मैंने स्पाइडरमैन मूवी देखी, बहुत अच्छी थी। स्पाइडरमैन सच में ग्रेट है। अच्छी क्या स्पाइडरमैन ग्रेट है रे, वो सब ग्राफिक्स है रे। पर बैटमैन भी ग्रेट है ना। बैटमैन नहीं, इन सब से ग्रेट तो बस एक ही है। कौन है वो। चिट्टी मैन। तुम हो। पूछने की बात है, स्पाइडरमैन ने कभी चॉकलेट खरीद कर दिया। नहीं मैंने खरीद कर दिया ना, मेरी तारीफ करनी चाहिए तो उसकी कर रहे हो। अगर आज से तुम लोगों को तारीफ करनी तो सिर्फ मेरी करो, नहीं तो मेरे वंश की करो, नहीं तो जो उस मास्टर के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा। अंडरस्टैंड। हाँ, कुछ भी बोलता है ये। कैसा बनाया रे, अच्छा दिया ना। अच्छा दिया भाई। वैसे ये छाता मेरे लिए। हाँ। एक बात बताऊँ। हाँ। क्या मास्टर मुझे देखता है ना तो तुरंत उसकी। पकड़ो उसको। रुक रुक। अरे इतने स्पीड में मत भागो। अबे रुक, कहाँ भाग रहे हैं? अगर मिल गया तो चटनी बना दूंगा। अरे कितना तेज है, रुको। ये कौन सी जगह है। ये जगह तो बहुत डरावनी है, निकलता हूँ। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन मेरे गांव में क्यों आया।
बाप रे कैसे कूद रहा है। तुम ग्रेट हो या मैं ग्रेट हूँ ये डिसाइड करने। अरे हट, तुम क्या डिसाइड करोगे? स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन कोई भी हो, मेरे गांव आया तो चिट्टी नायडू के सामने सर झुकाना ही होगा। कौन सर झुकाएगा ये डिसाइड कर लेते हैं। क्यों बे चिट्टी नायडू, अब बोल कौन सर झुकाएगा, बोल। मुझे ही झुकना है लेकिन मेरे वंश में। अगर दोबारा तूने वंश का नाम लिया तो झुका के मारूंगा, बड़ों को इज्जत देगा ना। दूंगा भाई, लेकिन हम ही सबसे ज्यादा बड़े हैं, ऐसा मेरे दादा। और एक बार दादा का नाम लिया तो गर्दन निकाल दूंगा। अपने से बड़े लोगों की इज्जत करनी है, चल एक बार पीछे घूम जा। पर क्यों भाई? तेरे बाल काटने के लिए। भैया ऐसा काम मत करो, ये बाल नहीं है, वंश का गौरव है। फिर से वंश के बारे में बात करेगा? करेगा? बात करेगा? मेरे बाल, बोल। मत काटो। इस बार बाल काट के छोड़ रहा हूँ, फिर से ऐसा काम करेगा ना तो किच 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 किच। आ, 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 क्या कर दिया? मूर्ति, तुम्हारा भांजा बहुत होशियार है, पिछले महीने से इस महीने टैक्स 1000 कम कर दिया। क्यों रे, भांजे से कुछ सीखो ना, अगर अच्छी तरह से सीखोगे तो बहुत टैक्स बचा लेंगे। चिट्टी। हाँ दादाजी। क्या बात है, तुमने ये सर पर कपड़ा क्यों बांध के रखा है? दादाजी वो बाहर बहुत ठंड है ना, कान में हवा नहीं जानी चाहिए इसलिए लगाया है। जा जा, ठीक है जा। नहाने का पानी रखूं बेटा? हाँ? नहीं नहीं दादी जी, मेरा पानी मैं खुद ही रख लूंगा, मैं खुद ही नहाऊंगा, जिसका काम उसे ही करना चाहिए। कितना समझदार हो गया मेरा बच्चा। मैंने कुछ नहीं किया, सब स्पाइडरमैन का देन है। हेलो छोटे मामा जी, मैं पूजा बात कर रही हूँ। बोलो बेटी। बड़ी मामा ने फिर से मेरी शादी फिक्स की है, मुझे ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ रात में सपने में आके बोल रही थी कि छोटे मामा जी ही अच्छा सोचने वाले हैं। ऐसा क्या? मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती मामा जी, मुझे यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। ठीक है, शाम तक तुम हमारे पास होगी, मैं देख लूंगा। वेट करती हूँ। नागप्पा। मेरी बात ध्यान से सुन, पूजा ने मुझे फोन किया था, वो कह रही थी कि उसने अपने मामा जी को शादी के लिए मना कर दिया है, अब भी हम उसे वहाँ से लेकर नहीं आए तो बेवकूफ बन जाएंगे। कड़प्पा से, चित्तूर से, नेल्लोर से, विजयनगर से, हर जगह से सबको बुलाओ, आज से वो पेडी, उसका बेटा, उसका पूरा वंश बर्बाद हो जाएगा। हाँ बर्बाद हो जाएगा। जाओ हटो हटो, जाओ पानी लेकर आओ। वो मेरा क्या कर लेंगे? वो तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। क्या, क्या गलत किया मैंने? मूर्ति, इसका मैं सर काट डालूंगा। भाई 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 भाई, 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 अरे सर, नहीं, भाई को टेंशन मत दे, तू जा यहां से। गलत बात पे सर काटेंगे तो ठीक है, लेकिन इनकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ ना। तू कौन होता है उनके बारे में सोचने वाला, चल जा यहां से। मूर्ति रुक जा, इसको बोलो, इसको बोलो जो बोलना चाहता है बोले, बोल क्या बोलना चाहता है। ये होता है पूछना। सर आपकी भांजी आपकी बहू बनेगी तो आपको कितना मिलेगा बताओ? 100 करोड़। 100 करोड़ कितना होता है, कितना होता है पता है? जितना धंधा करेंगे उतना पैसा आएगा, वो भी अमेरिका का पैसा, टैक्स भी भरना नहीं है। अरे इसको बताओ ना मूर्ति। ये नया नया है ना। हाँ मुझे सब पता है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। सर आप 100 करोड़ रुपए के लिए आपके भाई से झगड़ा कर रहे हो, वही 200 करोड़ का रिश्ता देकर आपके बेटे की शादी करवाएंगे तो पेडी नायडू से आप जीती जाएंगे। मूर्ति ये पागल हो गया है क्या? लेकिन 200 करोड़ रुपए देने वाला यहाँ कौन है बोलो? अरे है ना सर। सर अमेरिका में आपकी जीजा ही नहीं है जो करोड़ों कमाते हैं, बहुत से लोग हैं। मामा जी शिकागो सुब्बाराव के बारे में बताओ। शिकागो सुब्बाराव? अरे वही मामा जी आपने बताया था ना। ओ याद आया। हाँ उसके पास कितना होगा बताओ? ज्यादा नहीं, 500 करोड़ होगा ना। बिल्कुल होगा। उनकी बेटी के बारे में बताओ। कौन सी बेटी? अरे वही मामा जी शादी के लिए उनकी बेटी है ना। हाँ है ना। होगी तो चुप रहेंगे क्या? शादी के लिए रिश्ता देखेंगे। हाँ, देखेंगे ना। देखेंगे तो आपको बिना बताए देखेंगे। बता कर ही देखेंगे। देखिए ना किसके बारे में बताऊं। अरे किसके बारे में क्या मामा जी, हमारे चिट्टी नायडू जी के बेटे के बारे में। ओ नागप्पा जी के बारे में। नागप्पा का क्या काम है? हाँ क्या काम है? लेकिन वो तो आपकी बात मानेंगे ना। हाँ हाँ तो फिर क्या? तो इनसे क्या पूछ रहे हो मामा जी? इनकी बेटी के लिए गांव का रिश्ता देखने की सोच रहे हो ना? उसी काम के लिए अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं ना? और वही काम पूरी तरह से आपको सौंप दिया है। सौंपा क्या? क्या रे मूर्ति? भाई भाई पूरा तुम्हारे ऊपर ही रखा है क्या? मेरे ऊपर ही रखा है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। वो सब ठीक है, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, ये रिश्ता हमें ही पक्का करना है। कौन सा रिश्ता? कौन सा रिश्ता बोल रहे हो? शिकागो सुब्बाराव जी का रिश्ता? ओहो नहीं। हाँ, शिकागो सुब्बाराव जी की बेटी की नागप्पा से शादी करा के आहा ये बोलना चाहिए। समझ में आया? पूरा समझ में नहीं आया। मेरी समझ में आया। हाँ, तो फिर अपने मामा को लेकर जाओ और पूरा समझा कर आओ। हाँ, ठीक है सर। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो तुम्हारी मामा का सर कलम कर दूंगा। चलिए मामा जी। 500 करोड़ का सवाल है।
तेरी तो, तू मुसीबत में है ये सोचकर मैंने तुझे खाना खिलाया, अब तू मुझे ही फंसाना चाहता है। गेट आउट। मैंने ऐसा क्या किया सर? क्या किया क्या? उन्हें शिकागो सुब्बाराव के बारे में ये सब बताया, अब उन्हें सच में लाओ बोला तो कहाँ से लाऊंगा? सुनिए ना। हाँ, क्या है? कोई शिकागो सुब्बाराव जी हैं, सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं। वो अपनी बेटी की शादी के लिए यहाँ आ रहे हैं, आपको पता है ना? उन्होंने कहा है कि R&B गेस्ट हाउस बुक करके रख लीजिएगा, भूलिएगा मत। आप क्या बोलोगे सर? उनके बारे में बिना सोचे ही आपने उनका नाम ले लिया? नहीं तो आप कौन हो उनको पता नहीं है, फिर भी आपने फोन किया क्या? मुझे सच में नहीं पता वो कौन है, उनका फोन कैसे आया समझ में नहीं आया। मुझे समझ में आ गया सर। क्या आया? इसे सबकॉन्शियस मेमोरी पावर बोलते हैं सर। फिलहाल तो मैं कंफ्यूजन में हूँ, साफ साफ बताओ ना। कुछ नहीं सर, हमारे जो करीबी लोग होते हैं ना, वो बहुत दिन बीत जाने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर उनकी यादें हमेशा के लिए फीड हो जाती हैं, और कभी कभी वो बाहर आती रहती हैं। पुरानी खोई हुई चीज अचानक मिल जाती है वैसे ही ना। एग्जैक्टली, बिना परिचय उनका नाम बोलने के लिए आप मेंटल हो क्या? उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में भी बोला होगा ना? बिना बोले आपको बताने के लिए आप मेंटल हो गए। अरे ये बार बार मेंटल मेंटल क्या बोल रहा है, मुझे खुद पे डाउट हो रहा है। आपको खुद पे डाउट आने से कुछ नहीं होगा, मुझ पर डाउट कर रहे थे ना आप। मैं चलता हूँ सर। अरे रुक, मुझे इस झमेले में छोड़कर जा रहा है, सब मेमोरी में और क्या क्या है मिलकर याद करते हैं। चंदू, मैंने क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर मुझे फोन करके गेस्ट हाउस बुक करने के लिए बोल रहा है। सबकॉन्शियस मेमोरी पावर है सर। ए मूर्ति, नागापा जी, और कितनी देर लगेगी, वो लोग आएंगे या नहीं? मुझे ही नहीं पता तो मैं क्या बताऊं। बस 2 मिनट में आ रहे हैं, आप अंदर बैठिए। हेलो मूर्ति जी, हाउ आर यू मैन? ऐसे क्या देख रहे हो? सुब्बा राव, आपका शिकागो सुब्बा राव। क्या हुआ मूर्ति जी को, क्या हुआ? आप सच में आएंगे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए शॉक हो गए हैं। ओ मूर्ति जी, आपकी वाइफ सुकुमारी कैसी है? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं लक्ष्मी। मेरे हाथ की कॉफी आपको बहुत पसंद है ना, भूल गए क्या? एज हो गई है ना इनकी। कम, लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक। फनी फेलो, कम ऑन, उठो उठो। अरे क्या है, मैं आपके साथ शादी क्यों करूंगा, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। कौन है मूर्ति, बेवकूफ जैसा लग रहा है। ये बेवकूफ नहीं है सर, इनका पिए है। ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो, हमारे बारे में बताओ ना। अभी ये बोलने की पोजीशन में नहीं है, उससे अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा सर, ये चिट्टी नायडू जी है, इस गाँव के बहुत बड़े आदमी, आपके साथ बात करने आए हैं। नाइस मीटिंग यू, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ओके मूर्ति जी, इन सबको बैठने के लिए कहिए। मूर्ति जी ऐसे क्या देख रहे हैं, बहुत दिन हो गए, इसलिए अब हम यही रहेंगे हमेशा, रोज बातें करेंगे हम। क्या रे, तुम चुपचाप मुंह बंद करके खड़े ही रहे और वो चले भी गए, हमारे बारे में बताया क्यों नहीं? बहुत दिनों बाद मिलने के बाद खुशी हो रही है ना, तो बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे, लेकिन कुछ देर में ठीक हो जाएंगे, आप आइए ना। सुन लो, मुझे हल्के में मत लेना। अरे चलो मामा। अरे क्या हुआ रे इसको? I'm sorry. आपको बहुत वेट करवा दिया ना मैंने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये मूर्ति आपके बारे में बहुत बातें करते हैं, आपके जैसे ही हम भी इस गांव में बहुत अमीर हैं। मतलब जितना दिखने में उतना ही क्या? अरे पैसों में क्या है, 1 करोड़ तक ही मुझे अच्छी तरह से याद है, उसके बाद कितने करोड़ कमाए मुझे बिल्कुल याद नहीं। 500 करोड़ है, मूर्ति ने बताया था। क्यों रे? हाँ बताया तो मूर्ति जी का हमारी फैमिली के प्रति प्यार है, लेकिन आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? कुछ नहीं, आपकी बेटी के लिए शादी का रिश्ता देख रहे हैं ना, मूर्ति ने बताया मुझे। देखिए मैम, पैसों से ज्यादा संस्कार की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ये मेरा बेटा है नागप्पा, इसने 8वीं तक पढ़ाई की है, इसके लिए ही मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ, अच्छा है ना? मूर्ति जी, आप पर विश्वास करके हमने हमारी बेटी के रिश्ते के लिए आपको कहा था, लेकिन आपने कैसा रिश्ता ढूंढ लिया ये? आप मेरी बात तो बिल्कुल चुप रही है, और थोड़ी देर यहाँ रुक गए तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। जानकी, निकालो इन्हें यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए भाई, रुकिए, आप नायडू सर, मैं बात कर लूंगा, आप चलिए, टेंशन मत लीजिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं मामा, उनके साथ चलिए, मैं अभी आता हूँ। शिकागो सुपर सुपर बड़े पापा, कमाल कर दिया। और नहीं तो क्या, 2 times गोल्ड मेडल इन मोनो एक्टिंग। वो ड्रामा बैच है ना, वो थोड़ा ओवर हो गया था, लेकिन ठीक किया आपने। इतना सारा ड्रामा हम किस लिए कर रहे हैं बेटा?
बड़ी माँ, आपको पूजा पसंद है ना? उसी के लिए तो इतनी दूर आए हैं। तो फिर क्या, उसे लेकर चलते हैं? अरे पर मैं कह रही हूँ कि मैं बात करूंगा, तुम डरो मत। मैं तो पैदाइशी एक्टर हूँ, लेकिन ये पेट से ही एक्टिंग सीख कर आया। वो ना आर्टिस्ट है। अरे बेटा, ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन क्या है मुझे बताओ जरा। सॉरी बड़े पापा, नेक्स्ट सीन तो मेरा है। अपनी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी करवाने के लिए कुछ कंडीशंस रखी हैं सर, वो मुझे और मेरे मामा को सही नहीं लगी, इसलिए ना बोल दिया। क्यों मामा जी? ना बोलने वाले तुम कौन होते हो मूर्ति? उनकी कंडीशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। कंडीशंस मतलब वो कंडीशंस भी नहीं है, लेकिन आपका गेटअप उनको अजीब लगा, थोड़ा सा चीप फील हो रहा है। क्या रे, मैं इतना अजीब दिखता हूँ क्या? देखिए आपका बीपी वापस बढ़ रहा है। ये बीपी नहीं है, वो लोग यही बोलना चाहते हैं ना कि हमें अपना रूप बदलना चाहिए, मतलब ये धोती निकाल कर हमें पैंट पहन लेनी चाहिए। ठीक है पहन लेंगे, क्या हो गया? सिर्फ इतना ही नहीं, और दो कंडीशंस हैं। दो और कंडीशन, वो क्या है? वो लोग थोड़ा सा फैमिली टाइप है नायडू जी। तो हम लोग क्या बाजारू आदमी है? ऐसी बात नहीं है, शादी के रिश्ते के लिए आए हो और बिना औरतों के साथ आए हो, इसलिए उन्हें थोड़ा फील। ठीक है ठीक है, वो लड़की देने वाले हैं और पैसे भी बहुत हैं, उनकी ही बात सुन लेते हैं। ए, आप भी अच्छी सी साड़ी पहनकर रेडी हो जाओ और चलो मेरे साथ। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो बहुत ही मुश्किल है सर। मामा जी, मूर्ति उसको छोड़ो और यहाँ बताओ। नहीं सर, आप मुझे मारोगे। नहीं मारूंगा, बताओ तो। वो आपको आपके बाल काटने होंगे। क्या सर? क्या रे, बाल काटने हैं? हमारे वंश का मान सम्मान गौरव सब इसी चोटी में है, इसे नहीं काटेंगे। तभी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। आफ्टर ऑल 500 करोड़ के लिए आप अपने बाल काट दोगे सर? जाने दीजिए, अगर ये नहीं तो कोई और सही, बोलिए ना मामा। अरे क्या उसे बीच में लेकर आते हो तुम? ठीक है ठीक है ठीक है, बाल कटेंगे दोबारा आ जाएंगे, लेकिन 500 करोड़ दोबारा आएंगे क्या? हाँ दादाजी, बाल काट देंगे तो ये हो जाएगा। क्या होगा? बालों को कटाना जरूरी है क्या? ए, पहले मेरे पिताजी के बाल काटो। ये सुभा राव कौन है? उसकी फैमिली कौन है? मैं कितना सोच रहा हूँ पर याद नहीं आ रहा, लेकिन उसे मेरे बारे में सब याद है। अरे तुमने वो जो मेमोरी बताई थी वो क्या था? सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। सच में ऐसा ही कुछ हुआ होगा क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर, ये ऐसा ही कंटिन्यू हुआ तो आपको ये मानसिक संघर्ष बहुत होकर सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी, और कोई बड़ी बिल्डिंग दिखी तो ऊपर से कूदने का मन करे। ऐसा ही लग रहा है। ऐसा हो रहा है ना? इसका कोई इलाज नहीं है क्या? हाँ एक है सर। क्या है वो? ये लो। गलत हो या सही, किसी एक पर पूरा यकीन करना है, अगर बीच में रहोगे तो बच नहीं पाओगे। उन्हें जानता हूँ ये मान लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तो फिक्स। आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों में बहुत चेंज आया। आपसे दिल मिल गया तो बस हम लोग बदल गए। ओह इट्स ओके, आपके फैमिली मेंबर्स एकता से रहते हैं ना? साधारण एकता नहीं, बहुत मजबूत एकता है। क्यों रे मूर्ति? हाँ सुभा राव जी, इनके परिवार का जोड़ तो इतना मजबूत है कि टूटेगा नहीं। रिश्ता पक्का करने के पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मूर्ति क्या रे? चिट्टी बाबू जी अनएजुकेटेड है, पढ़ाई की ही नहीं। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाई के बारे में कोई सवाल नहीं पूछूंगा। चिट्टी नायडू जी, आपकी बीवी का जन्मदिन कब है? कमन ब्लैकवुड बोलो ना। शर्मा क्यों रहे हैं? हर साल 18 मई को मेरा बर्थडे त्योहार की तरह मनाते हैं। मैं तो मना करती हूँ कि ये सब मत करो, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं? अब सबके सामने बोलने में शर्मा रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी को शर्माना सूट नहीं करता। ऐसे अचानक से पूछेंगे तो शर्म तो आएगी ना। सेकंड क्वेश्चन, बेटा आपकी शादी का दिन क्या है? क्या है? मेरा ही मुझे पता नहीं, ये मुझे क्यों पूछ रहा है? चाचा जी, जिस दिन देश को स्वतंत्रता मिली उस दिन इनकी स्वतंत्रता छिन गई, इसलिए मजाक करते हैं। गुड, आप आपकी बीबियों को कैसे बुलाते और हैं? कैसे बुलाते हैं? ए, ए, यहां। मतलब नाम से नहीं बुलाते? ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारी तरफ कहते हैं पत्नी का नाम लो तो उसकी उम्र कम होती है, इसीलिए नाम से नहीं बुलाते। आप अपनी बीवियों का कितना अच्छा ख्याल रखते हैं समझ में आ गया। मूर्ति जी, हमें ये रिश्ता पसंद है, मेरे बेटे और भाई को बुला के तुरंत मुहूर्त फिक्स कर दें। आपका कोई भाई या बहन नहीं है क्या? एक भाई है ना सुभा राव जी, इनका सगा भाई। आपका एक भाई है क्या? नहीं होना चाहिए क्या? आप टेंशन मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अपने भाई को गाँव में छोड़कर आप ये रिश्ता पक्का करने के लिए आ गए? आपने उनके बारे में गलत समझा सर, आपकी तरह वो दोनों बहुत क्लोज हैं। गांव में उन्हें राम लक्ष्मण ब्रदर्स कहते हैं। यहाँ फर्क नहीं पड़ता, फिर ये गांव में राम लक्ष्मण कैसे हुए? हाँ वो है, लेकिन अभी गांव में नहीं ये बोल रहे थे। सही कहा,
बताओ रे मूर्ति। सुभा राव जी और लक्ष्मी जी मेरी बात सुनिए, मैं आपके फैमिली मेंबर जैसा हूँ ना, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ट्रस्ट मी। ओके, जब आपके भाई गांव से आ जाएंगे तब मुहूर्त निकाल लेंगे। अरे अरे मर गया रे, मारना मत, मर जाएंगे। मेरा भाई है, ये क्यों बोला तूने? है इसीलिए बताया। बताया वो तो ठीक है, पर उनका कहना है जब वो लोग आएंगे तभी रिश्ता पक्का होगा, पर उनको लाएंगे कैसे? आप टेंशन मत लीजिए सर, वो मामा जी पे छोड़ दीजिए, इतना किया तो ये नहीं कर सकते। क्यों मामा? ए मूर्ति, तुम कुछ भी करो मुझे नहीं पता, उस पेडी नायडू को किसी भी तरह लेकर आना है, वरना मूर्ति तेरा सर काट के अपने पोते को दे दूंगा। फुटबॉल चाहिए, फुटबॉल चाहिए, बड़े दिनों से मांग रहा था। हमसे जीतने का मंसूबा छोड़कर इन लोगों ने कहीं बाहर रिश्ता देखा तो वहाँ भी कंडीशन लग गई। अब तो चिट्टी की हालत कीचड़ में गिरे हुए चूहे जैसी ही होगी। ससुर जी की हंसी देख के लग रहा है कि जल्दी ही रोने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सभी का वैल्यूएशन का इंफॉर्मेशन ले लो, किसी को छोड़ना मत। ओके, क्विक क्विक। हाय पूजा, हाउ आर यू? फाइन अंकल। तुम इस लड़की को कैसे जानते हो, कौन हो तुम? आई एम वीवी राव, रिकवरी ऑफिसर फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। आंध्रा बैंक स्टेट बैंक तो पता है, ये वर्ल्ड बैंक कौन सा है? ये दुनिया का बैंक है, मतलब अपने आप में सबका बाप है। बाप हो या दादा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? पूजा के पापा बिजनेस के लिए हमारे पास से कर्ज लिए हैं, वो चुकाए बिना मर गए। अमेरिका में उनका प्रॉपर्टी सीज किया तो 100 करोड़ मिला और 100 करोड़ बैलेंस है। ये लड़की अपने पापा की गारंटर है, चाहो तो आप इससे पूछ लो। हाँ मामा जी। इसलिए हम ढूंढते हुए आए हैं। ढूंढते हुए तो आ गए, पर उस लड़की के पास कुछ नहीं है। अगले हफ्ते ससुर जी के बेटे के साथ उसकी शादी है। हाँ क्या? कांग्रेचुलेशन सर। पर किसके लिए, मैं समझा नहीं। हिंदू लॉ के अनुसार शादी के बाद पति की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा पत्नी का होता है, और वो हम लेकर जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? क्या करे पेटी नायडू जी, लॉ ही ऐसा है। अरे काहे का लॉ, ससुर जी की तकदीर ही ऐसी है। पर बैंकू, अभी शादी पक्की नहीं हुई, हमारे बीच बातचीत चल रही है। ये क्या बात कर रहे हैं सर, लड़की बहुत अच्छी है, जल्दी करो, शादी होने तक हम यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि करोड़ों का मामला है। ठीक है चलते हैं, कम ऑन बॉयज। कहीं इसीलिए तो चिट्टी दूसरा रिश्ता नहीं देख रहा। बेटी तुम जरा अंदर जाओ। हाँ, वो मामा। अरे मैंने कहा ना जाओ, ये लड़की दहेज में कर्जा लेकर आएगी। क्यों रे मूर्ति, तू दाल चावल खाता है या घास खाता है? इतना अच्छा रिश्ता मुझे बताए बिना चिट्टी के पास लेकर चला गया। सर इसमें मेरे मामा की गलती नहीं है, आपको आपके भांजी से मिलना नहीं इसलिए उनको वहाँ डाइवर्ट किया। मुझे क्या मिलेगा, बाबा जी का घंटा? देख मूर्ति, तू क्या करेगा मुझे नहीं पता, अमेरिका वाला रिश्ता हमारे घर होगा बस। कैसे होगा भैया जी, ऑलरेडी चिट्टी नायडू जी ने बात कर ली। मामा जी आप टेंशन मत लो, मुझे एक आइडिया है। कैसा आइडिया? हमारे शिकागो सुब्बाराव जी उनके छोटे भाई के बेटे के लिए रिश्ता देखने आ रहे। कहाँ था ना? छोटे भाई? अरे अच्छी, शिकागो सुब्बाराव और डलास नागेश्वर राव भाई है, बताया था ना? मैंने बताया था। आपने बताया मामा जी? बताया होगा। अब मुझे क्या करना है? नायडू जी के लिए वो रिश्ता फिक्स कर दो, हमारे मामा जी जो बोलते हैं वो सुनते हैं। मूर्ति तू शो नहीं करता, पर टैलेंट तेरे अंदर कूट कूट के। मुझे भी अभी अभी ये पता चला है। मामा जी क्या है? वो बात भी बता दो ना। कौन सी बात? वही मामा जी कंडीशंस के बारे में, वरना बाद में नहीं बताया फील होगा। सही कहा पेडी नायडू जी, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। भैया कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए। अरे तेरा कमीनापन मुझे पता है कि तू किस लिए आया। तुम भी क्यों आए हो अच्छी तरह से पता है। मूर्ति की वजह से बड़ी मुसीबत से बाहर आए हैं। मुसीबत से नहीं, गाड़ी से आए हैं। हाँ। बड़े मामा जी। हाँ। मुझे अर्जेंट 10 लाख रुपए चाहिए। हो गया इसका। 10 लाख रुपए? पर किस लिए? अरे मामा जी शादी की डेट पास आ रही है ना, तो कपड़े खरीदने हैं, ऑर्नामेंट्स खरीदने हैं, मेकअप का सामान लेना है। रुको रुको। रुक गई, बोलिए। आजकल तुम्हारी माँ सपने में नहीं आ रही क्या? 2 दिन से नहीं आ रही है मामा जी। ऐसा मत कहो, मेरे सपने में आ रही है। फिर उन्होंने कहा देखो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, मेरा हाथ पकड़ कर बहुत दुखी हो रही थी। फिर आपने क्या कहा मामा जी? मेरा बेटा कमीना है, तुमसे शादी के लायक नहीं है, इस शादी को यहीं रोक दो। इतना कहने के बाद मेरी बहन सपने में ही जोर जोर से रोने लगी। मामा जी आप रोना मत मामा जी, बड़ा बेटा कमीना है तो मैं छोटे बेटे से शादी करूंगी। बेटी ये काम मत करना, मेरा बेटा उससे भी बड़ा कमीना है, तुम्हारी माँ ने बड़े मामा है इसलिए हाथ पकड़ कर बोला, अगर मैं होता तो वो गला ही दबा देती। सच्ची मामा जी? हाँ, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर कुछ डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया? बताइए भैया। कुछ खास नहीं, पहले हम दोनों इन कमीनों की शादी करेंगे, उसके बाद कोई अच्छा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर लेंगे। शर्माना मत। ठीक है ना बेटी? ठीक है मामा जी। बेटी इस बार माँ सपने में आए तो छोटे मामा अच्छे हैं ऐसा बोलना उनसे। बताऊंगी मामा जी। हाँ। आपके बारे में भी बताऊंगी। बहुत अच्छा मैनेज किया सर। हाँ मैनेज तो हो गया, अब अगर वो नहीं आया तो तुम्हारे मामा का सिर मैनेज होगा। ऐसी बात मत कीजिए, लेकिन अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है ऐसा मामा जी बोलते रहते हैं। ए भांजे तू इधर आ, ये सब बात छोड़, ये शिकागो सुब्बाराव को एक भाई है ये तो पता है,
उसका नाम नागेश्वर है, ये किसने बताया? आपने बताया ना सर? मैंने बताया तो होगा क्या? हाँ तो हो ही रहा है ना, एक चंद्रमुखी, एक अपरिचित, एक गजनी, एक मैकडॉल मूर्ति। ऐसे ही हो गया? हाँ हो गया सर, आप चलिए ना सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार चिट्टी नायडू जी। भैया यही सुब्बा राव जी हैं। नमस्कार। ओ, जी। नमस्कार मेरे भैया पेड्डी नायडू, हमारे लिए भगवान जैसे हैं। भैया जाओ जाओ। ये कौन है? ओ दिस इज मिस्टर नागेश्वर राव, माय ब्रदर, दल्लास में रहते हैं इसलिए दल्लास नागेश्वर राव। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। अरे बाप रे सर ये क्या? अरे हमारे मैकडॉल मूर्ति जी। आप थोड़े मोटे हो। हाँ हाँ नमस्कार मूर्ति जी। अरे देख क्या रहे हो, नमस्कार करो। नमस्कार। How are you? हम लोग अंदर चल के बात करते हैं, तुम हटो ना। मामा जी आइए आइए, चलिए अंदर चलो चलो। क्यों सर, आप कहेंगे तो आ जाएंगे, बोला था ना। ये क्या, मैंने क्रिएट किए हुए कैरेक्टर्स में जान कहाँ से आ गई? आपकी पावर ही ऐसी है सर। मतलब मैं ब्रह्मा जैसा ही हूँ? मैं भी इतना पावरफुल होने के बाद भी मैं इन बेवकूफों के लिए काम कर रहा था। अब तो पता चल गया ना सर। ये बात किसी से कहना मत। क्यों सर? मेरे पावर का इस्तेमाल करके मैं एक नई कहानी बनाना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो एक नई दुनिया ही बना डालूंगा। क्या कर रहे हो? आपको आपको सच कहूं तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे साथ भी ऐसा ही है भाई, इतने अमीर लोगों की बेटी के साथ शादी होने वाली है, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊं। चिट्टी पैसे का क्या है, आता है और जाता है, इंसान ही सब कुछ है, क्या कहते हैं? ओह वेल सेड समधी जी, इसीलिए आप जैसे लोगों से रिश्ता कर रहे हैं हम। वैसे आप खाली टाइम में क्या करती हैं? खाली टाइम में सुबह उठ के बर्तन धोती हूँ, फिर कपड़े धोती हूँ, फिर बाथरूम की सफाई करती हूँ, दोपहर में फिर से बर्तन धोती हूँ, फिर कपड़े धोती हूँ। ये क्या बहन जी, ऐसे काम आप भी करती हैं क्या? अमेरिका में ऐसा ही होता है, कितना भी पैसा हो अपना काम खुद ही करते हैं। अच्छा फिर तो वो देश बहुत पीछे है, क्यों भैया? पैर क्या दबा रहा है, हड्डियाँ तोड़ दूंगी, चुपचाप खाना खाना। ये क्या पापा, इसकी भाषा कैसी है? भाषा में क्या रखा है, हमें तो कैश चाहिए ना। ओ और मिस्टर मूर्ति प्लीज जॉइन अस। ए तुम रुक जाओ। देखिए संधि जी, इतना सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है, जानवर घर के आगे और कुत्ते घर के पीछे अच्छे लगते हैं, क्या कहते हैं? ऐसी बात नहीं है, मूर्ति की वजह से ये रिश्ता हुआ है। तो क्या चप्पल लेकर अपने सर पर रखेंगे? कुछ लोगों को देख कर खाना भी नहीं खा सकते हैं। ए मूर्ति हम लोगों के खाने के बाद आकर खा लेना, जहाँ भी खाना देखा आगे पीछे घूमने लगते हैं। अपने क्रिएटर को रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है ये। थोड़ी है सर, उनको पता नहीं है क्रिएटर्स को गुस्सा आया तो क्या होगा। क्रिएटर्स भी इंसानी है ना, हमारे भी इमोशंस होते हैं। इसको तो मैं नहीं सर, दांत टूट जाएंगे आपके। पेड़ी नायडू जी, मैंने जो सुना है। हेलो सुब्बा राव जी, हाउ आर यू? समधी जी, इन्हें आप पहले से जानते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। ये वर्ल्ड बैंक इस पोजीशन में है तो उसका कारण है मेगा ब्रदर्स से हैं सर। ऐसा क्या, किसी ने बोला है कि दुनिया बहुत छोटी होती है? कोई और नहीं सर, मेरे मामा जी बोलते हैं। मैंने कब बोला था, मुझे तो याद नहीं। मुझे याद है मामा जी। मुझे याद नहीं, तुम्हें कैसे याद? हम यहाँ जरूरी बात कर रहे हैं और तुम दोनों डिस्टर्ब कर रहे हो। मूर्ति जाओ। अनपढ़ कहीं का। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ अंकल। अरे मिस्टर राव, आपका यहाँ होना एक सरप्राइज है। एक जरूरी काम के लिए आया हूँ, आप यहाँ कैसे? अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर के आए हैं हम। पेड्डी नायडू जी ये सच है क्या? अरे इन्होंने बताया ना ये सच है। फिर आपकी भांजी की शादी आपके बेटे से नहीं हो रही है? क्या हुआ भैया जी, क्या मतलब? वही राव जी, वाशिंगटन में चलसानी प्रसाद, पता है ना? यस आई डू रिमेम्बर, एक्सीडेंट में मर गए थे ना? उनकी बेटी पूजा और इनकी भांजी है। ये लड़की तो बहुत अच्छी है, आपके बेटों में से इसके साथ रिश्ता कर लेते, बाहर रिश्ता क्यों देख रहे हैं आप? वही फैमिली में शादी करेंगे तो बच्चे ठीक से पैदा नहीं होंगे ना। आंखें और पैर दोनों कमजोर हो जाते हैं, क्यों भैया? इसने सही कहा। ये क्या बात हुई, शादी की उम्र की लड़की को घर में रख कर अपने बेटों की शादी कर रहे हो? बैंकू तुम रुको, भांजी का क्या करना है हमें पता है। समधी जी आप बिल्कुल बुरा मत मानिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। कोई बुरा नहीं मानेंगे, आप बोलिए। बिना माँ बाप की आपकी भांजी आपके घर पर है तो हमारी बेटियों को आपके घर भेजना क्या अच्छा रहेगा? मतलब ये शोभा थोड़ी देगा जी, ना? ये सब हमें शोभा नहीं देता। संधि जी आप पहले अपनी भांजी की शादी करवा लीजिए, उसके बाद हम अपनी बेटियों की शादी करवा लेंगे। संधि जी पर अभी के अभी शादी के लिए एक अच्छा लड़का कहाँ से लाएंगे? अब आपने सोच लिया तो फिर क्या है, हमारी बेटियों की शादी के लिए यहाँ पर आए हैं, व्हाट्स सो हरी, कितने दिन भी होने दो, यही रहेंगे बस। और कितने दिन रुकेंगे, इतने दिन तो हो गए। चुप करो आप, क्यों सता रहे उनको? उनको गुस्सा आ गया तो रिश्ता कैंसिल समझो, मेरा तो कोई सोचता ही नहीं। उन्होंने इसे भी अपनी जाल में फंसा लिया है। सर आपसे एक बात करनी है सर, लेकिन अकेले में। ए,
किससे बात कर रहे हो पता है? आप मूर्ति जी है ना? उस मूर्ति के बारे में दुनिया को पता है, लेकिन दुनिया को इस मूर्ति के बारे में नहीं पता। अरे बाहर एक और दुनिया भी है प्रभु। बंद रखो, मुझे मत बताओ बाहर की दुनिया के बारे में, वरना अभी एक और दुनिया बना दूंगा। अपना मुंह बंद रख, मार के दीवार पे गोबर जैसा चिपका दूंगा। वो धनिया तेरा भांजा है क्या? धनिया नहीं, वो चंदू है। चंदू नहीं है वो। कौन है वो? उसका असली रूप क्या है? अच्छी तरह जानता हूँ मैं। क्या जानते हैं बताइए? मूर्ति भाई, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, आप हिम्मत से काम। अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं? और मैं हूँ। अरे मामा यहाँ बैठे हो, अंदर शिकागो सुबारा आपको बुला रहे हैं, चलिए उठिए। अबे ड्रामेबाज, तेरे बारे में सब कुछ बता दिया मैंने। शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। हाँ कौन बुला रहा था? वो शिकागो सुब्बाराव जी। डेलास नागेश्वर नहीं बुला रहा था। नहीं, वो लक्ष्मी ने भी नहीं बुलाया। क्या हुआ मामा जी? मर गया तेरा मामा। मैं नहीं हूँ तेरा मामा, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, अपरिचित हूँ, चंद्रमुखी हूँ, गजनी हूँ। मूर्ति जी, मूर्ति जी, कंट्रोल योरसेल्फ, पापों की सजा मिलेगी। ऐसी सजा इसके पापों की वजह से मैं मरूंगा। बात में दम। अरे एक मिनट भी रुका तो तेरा गला दबा दूंगा, जा यहाँ से। क्या हुआ मामा जी? मामा जी, मामा जी बोल रहा है, भांजा है मेरा। मूर्ति जी, मूर्ति जी, बस कीजिए, बस कीजिए, मैं रो पड़ूंगा, बस कीजिए। चला गया ना? हाँ प्रभु, चला गया वो। ठीक है, मैं चला। संभल के। मूर्ति जी जाके खाना खाओ। अरे मूर्ति जी, आपकी वाइफ से कहना मैं याद कर रही थी। हाँ, बोल दूंगा, एक्टिंग कर रही थी। अरे आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी, अगर इसको पता चल गया तो कौन शादी करेगा? अरे भैया वही दिक्कत तो इधर भी है, जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा है। पहले इसको चप्पल से मारना है। ए, तूने ये क्या मीटिंग करवाई? अभी के अभी हमारी लड़की के लिए लड़का कहाँ से लेकर आएंगे? इस रिश्ते को आप लोग भूल जाइए, वो लोग जानबूझकर शर्तें रख रहे हैं। आप दोनों में से कोई भी एक पूजा को बहू बना लो। मुंह बंद कर, मतलब हमारी पूरी प्रॉपर्टी वो बैंक वाला लेकर जाएगा तो हमारे हाथ में क्या रहेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, जाओ अपने भांजे को बुलाओ। वो तो नहीं है, गांव भेज दिया। क्या? यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और तुमने उसे गांव भेज दिया? तेरा सर काट डालूंगा मूर्ति। क्या है, उसकी फैमिली उसके लिए रिश्ता देख रही है इसलिए भेजा। फैमिली में रिश्ता देख रहे हैं? मैया आई बात समझ में? क्यों रे मूर्ति, तेरे भांजे के नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह है? उसके पास क्या प्रॉपर्टी होगी, उसका पूरा खानदान भिखारी है। अरे दिमाग है कि नहीं? क्या हुआ? तेरे भांजे से हम अपनी भांजी की शादी करवा देंगे तो सारी समस्या खत्म। सर, अरे तुम तो यहीं पर हो, आजा आजा। ये तो बोल रहा था तुम गांव चले गए। गांव जाने से पहले आपको एक बात बोलना है सर। पर पहले हमारी बात क्या है सर? देखो तुम्हारा स्वभाव हमें अच्छा लगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी भांजी की शादी तुम से हो जाए, क्या कहते हो? मेरा क्या है सर, मामा जी जो बोलेंगे वही करूंगा। मेरी बहन पुराने ख्यालों की है, इंटरकास्ट मैरिज उसे नहीं चलेगी। यहाँ खाने के लिए खाना नहीं है और तुम्हें कास्ट की पड़ी है। मुंह बंद करो और भैया की बात मानो। बेटी पूजा। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ मामा जी? चंदू के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। फिर दोनों मिलकर अकाउंट देखना, ठीक है? जैसी आपकी मर्जी मामा जी। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे अब क्या हुआ? मामा जी बताने जैसा माँ को ये सब अच्छा नहीं लगता है। आपकी भांजी को कोई शादी के मंडप से लेकर गया है ऐसा संतोष रेड्डी सबको बोल रहे थे सर। ये बात उनको पता चली तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? हाँ सर। ए, जरा संतोष को बुलाना। पाई लागू प्रभु। सुनो संतोष, ये बताओ पूजा को मंडप से कौन लेकर गया था? फोटो में दिखाया था आपको। झूठ बोलता है, पूजा को मंडप से ये लेकर गया था। सर बिल्कुल सही कहा आपने, ये वही लड़का है, इसी को लिफ्ट दिया था, अपनी माँ की कसम। करेक्ट, अब सही बोला तूने, सबको सच्चाई बता दो। क्यों रे चंदू, अब तू खुश है ना? बहुत खुश हूँ सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों भाई चिट्ठी, मूर्ति अब हमारा रिश्ता। मूर्ति जी यहाँ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, पर क्या करना है नहीं आ रहा। ओहो, गोबर उठाने का काम जिंदाबाद। वेरी गुड, लेकिन लड़का कौन है? ये मूर्ति का भांजा है। ओ चंदू। हाँ बिल्कुल, बहुत सालों से मूर्ति हमारे यहाँ गुलामों की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसके भांजे के साथ ये शादी कर रहे हैं। भाई जी मुझ पे इतना तरस आ रहा है तो मुझे 2-3 करोड़ रुपए दे दीजिए, लेकिन आपकी भांजी की मेरे भांजे से शादी नहीं होने दूंगा। मूर्ति। जाने दीजिए नायडू जी, माँ इस शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। अब मामा जी ना बोल रहे हैं, जब फैमिली में किसी को ये शादी पसंद नहीं है तो मैं भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। चंदू तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ। मूर्ति जी, जीजा जी के भांजे के शादी होगी तो चंदू रिश्ते में हमारा क्या लगेगा? मुझे क्या पता। उबल कर चिल्ला क्यों रहा है? बेटा लगेगा जी। ओह यू आर राइट संदीप जी, हमारा कोई बेटा नहीं इसलिए इसको हमारी औलाद समझ कर इसकी शादी करेंगे, हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है ठीक है, ये तो बहुत लकी है भैया, बेटा बन गया बेटा। क्या प्रॉपर्टी में भी इसे आधा हिस्सा देना होगा? डरने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी दामाद जी की ही होगी। अब तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब देखना शादी कैसे करेंगे, धमाल मचा देंगे। नरसिम्हा कोमा से बाहर आ गया क्या? क्या रे, तू तो बोला था मर जाऊंगा। भाई आपको एक बात बतानी है।
भाई। क्या हुआ नरसिम्हा? अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? भाई वही है भाई, पूजा जी को अपने साथ वही लेके गया था। चंदू इधर आ। ये जो कह रहा है सही है क्या? सबको ऐसा बोलने के लिए आप ही ने बोला था ना सर। अब क्या ड्रामा कर रहा है बे? हेलो ब्रदर, कमिंग। हे, तू बता पूजा जी को शादी से कौन भगा के ले गया था? यही है वो। क्यों सर, आपने जैसा कहा वैसा ही बताया ना मैंने। ओ ओ वो वाला क्या? उसे ही लिफ्ट दिया था ना? दिया तो था, इसलिए आप लोग मुझे यहाँ लेकर आए हो। क्यों गुरुजी, आपकी बात को फॉलो कर रहा हूँ ना। अबे क्या फॉलो कर रहा है? नरसे माँ उसे छोड़ो रे। वो क्या बोल रहा है? कुछ खास नहीं समझी जी, सर में चोट लगी थी ना तो पागलों जैसी बातें कर रहा है। ओ, आई सी। वो नहीं भाई, क्या हुआ कि तुम कोमा में थे, तुम्हें कुछ नहीं पता है गुरु। मैं पूरी तरह होश में हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। नरसिम्हा हमें सब पता है, तुम जाओ, तुम लोग भी जाओ। चलो चलो चलो, चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी रेडी जी, एक मिनट। उस दिन लिफ्ट देकर हेल्प की थी, आज जिंदगी देकर हेल्प की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे प्यार के साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली रिस्क में है, ये कॉन्सेप्ट कमाल का है। संतोष रेड्डी तुम सबकी खुशियां चाहता है, ऑल द बेस्ट। अरे आ रहा हूँ। राव जी, आपके आने से हमें हर दिन खुशहाली महसूस होती है। बिल्कुल सही कहा, आपके पास बहुत पैसा है इसीलिए रिश्ते को हाँ कर दिया, लेकिन इतनी खुशी देखकर पैसे के बारे में तो भूल ही गए। जरा रुको ना राव साहब, चलिए खाना खाते। जरा एक मिनट रुकिए। दादी आपके लिए फोन। हेलो लक्ष्मी, खाना खाया क्या? नहीं अभी नहीं। अरे 9 बज गए, कब खाओगी? तुम्हें एसिडिटी है ना लक्ष्मी, जल्दी खा लो। अरे मैं खा लूंगी, आप फोन रखिए। लक्ष्मी आई लव यू। मी टू। अरे बाप रे, बीवी को फोन करके पूछते हैं खाना खाया क्या, कितना प्रेम है इन दोनों में। किस जमाने में पैदा हुए हैं आप? हमारे घर में तो दोनों टाइम हमारे खाने के बाद ही खाती है, वरना काट नहीं डालेंगे। सही कहा। गलत है समधी जी, औरतों की दुनिया बहुत छोटी होती है, उनके पति और घर जितनी। उनके साथ प्रेम से बात करना मर्द की निशानी होती है। इट्स ओके, कम लेट्स हैव ड्रिंक। रुको जीजा जी, एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। भाभी जी, मैं चिट्टी बोल रहा हूँ, आप एक बार अपनी बहन को फोन दो ना। सुनो ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए किसने किया? अरे कहाँ चली गई? हाँ हेलो, खाना खाया क्या? नहीं तो। अब तक क्या कर रही हो, तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी? मतलब? छोड़ो तुम बेवकूफ हो, ठीक है आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लव यू, तुम्हें कैसा लग रहा है? मी टू। मी टू क्या, तुम्हें चप्पल से मारूंगा। चिट्ठी क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं भैया, आप भी हल्के होने के लिए आए हैं क्या? जाइए जाइए, अच्छे से हल्के हो लीजिए। हेलो हेलो, बोलिए ससुर जी। सास को फोन दो। हेलो। अरे सुनो ये मैं हूँ, खाना खाया क्या? अभी खाऊंगी जी। अरे तो जल्दी खा लो, तुम्हें एसिडिटी है ना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? हे आई लव यू, आई लव यू। अरे ये भी ना। ए शेर, अरे नाचो रे। ए चिट्ठी, अरे सुन ना, ये बताओ लड़के के लिए तुमने कार भेजी है ना? कार लेने के लिए नागप्पा गया है ना? अच्छा, आप टेंशन मत लो, नाचो नाचो पिताजी, आप भी शुरू हो जाइए। हाँ बस मामी जी, थोड़ा सा और खा लो बेटा, खा लो बेटा, फिर टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें ससुराल जाने के बाद, मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? आपको क्यों भूलूंगी मामी जी। हाय आंटी। हाय, तुम यहाँ क्यों आ गए बेटा? कुछ नहीं आंटी, बड़ी मानी है नेकलेस देने के लिए बोला है मुझे, पूजा ये पहन के शादी के मंडप में बैठना होगा। तो इसके लिए तुम यहाँ क्यों आए हो, किसी और से भी तो भेज सकते थे। आने के लिए कोई बहाना भी तो चाहिए। एसी ऑन करके रखना। चंदू तुझे नहीं तैयार होना, जा हो जा। मेरा क्या है आंटी, शर्ट पैंटी तो चेंज करनी है मुझे। हाँ बोलो बड़ी माँ। नेकलेस दे दिया बेटा? हाँ दे दिया। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी टाइम पे आ जाना। हाँ ठीक।
चंदू, शादी का मंडप कहाँ है पता है तुमको? हाँ, नुमा कल्याण मंडप है। पूजा को तुम उसी मंडप से उठाकर लेकर आए थे, तुम्हें याद है ना? कैसे भूल सकता हूँ, वहीं से तो मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। अब मजाक बंद करो और जल्दी तैयार करो। हाँ, बोलो ना गप्पा। पापा, सब कुछ धोखा है पापा, धोखा। क्या रे, तुझे ढोकला खाना है? अच्छा सुन, एक बार शादी हो जाए फिर तुझे खूब ढोकले खिलाऊंगा। अरे ढोकला नहीं पापा, शिकागो सुबाराव नहीं है और डलास नागेश्वर नहीं है। वो लोग वहाँ पर नहीं है, यहाँ है रे, सब डांस कर रहे हैं। तू एक काम कर, जल्दी से पूजा को लेकर आ जा। अरे बात समझ। अरे फोन कट गया। हमारे गांव आके हमको ही पागल बना रहा है। एक भी तुम में से एक भी जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से। बेटा, आंटी आप पूजा को लेकर मंडप में जाइए, मैं आ जाऊंगा। नरसिम्हा, इस चंदू ने हमको धोखा दिया है। सुन, मैं पापा के पास जा रहा हूँ। तुम मंडप में जाओ, इसे मैं देख लूंगा। छोड़ना मत इसे। सुनिए जी, वो अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम टेंशन मत लो, आता ही होगा। क्या कर रहा है ये?
अरे भैया, ये मूर्ति अभी तक आया क्यों नहीं? और चंदू भी नहीं आया है। उनको भी पूजा की कहानी के बारे में पता तो नहीं चल गया? मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। तुम चिल्लाओ मत। क्या हुआ समधी जी, क्यों इतनी टेंशन में हो? अरे कुछ नहीं जी, हम लोग चंदू का वेट कर रहे हैं। अच्छा, उसकी टेंशन है तो वहाँ देखिए, लगता है ये खुद ही यहाँ बैठ जाएंगे। भैया वो तो यहाँ पर है। पेडी नायडू जी, कितनी देर लगाएंगे आप? इस तरह खड़े क्यों हैं? जल्दी से लड़की को लेकर आइए। भैया, अपनी बेटी को देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। इन लोगों की कंडीशन के चक्कर में बेकार आदमी के साथ इसकी शादी करा दी। वहाँ क्या है क्या नहीं, इसके साथ राशन भी भेजना पड़ेगा। अरे सारी व्यवस्था हम देख लेंगे चिट्ठी, तुम चिंता मत करो, आखिर वो भी हमारी ही बच्ची है। सही कहा। जीती रहो, जीती रहो। बेटा तुम दुखी मत हो, चंदू ने अगर तुझे परेशान किया ना तो मुझे फोन करना, तुझे जो भी चाहिए कहना, पैसा चावल सब कुछ भिजवा देंगे तेरे पास। थैंक्स मामा जी, मैंने आप सबको तकलीफ दी उसके लिए माफ कर दीजिए। ना, 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 भला तुमसे हमें क्या तकलीफ होगी? रो मत मेरी बेटी, रो मत, यहाँ से हंस के विदा हो, रो मत। रो मत बेटा, नाना जी का आशीर्वाद ले लो। पिताजी, बेटी ससुराल अपने घर जा रही है, आशीर्वाद दीजिए। ए हटो, पीछे हटो। ए गेट बंद करो रे। ए रुक जा, क्या बात है नागप्पा? इसने हम सबको धोखा दिया पापा। इसकी बातें सच हैं क्या? बोलो। हाँ सच है। क्यों किया ऐसा? मैं भगाकर पूजा के साथ शादी नहीं करना चाहता था, शादी करके ले जाना चाहता था, क्योंकि पूजा को भी आप सबकी जरूरत है और इसके मां बाप की भी इच्छा थी कि इसकी शादी आपके हाथों हो, इसलिए ऐसा किया। नागप्पा, उन्हें छोड़ दो बेटा। दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाएगा, हाथ काट डालूंगा। पापा, पापा, उसने हमें धोखा दिया तो हम आपस में क्यों लड़े? इसने हमें धोखा नहीं दिया बल्कि हमें इंसान बनाया है। चिट्टी भैया, अपनी बीवियों को हमने कभी इज्जत नहीं दी, लेकिन इस लड़के ने पूजा के लिए आज तक जो कुछ भी किया है उस पर हमें बहुत गर्व है। इसी ने हम दोनों की फैमिली को एक कर दिया है। सोचो, इस लड़के ने अगर ये सब ना किया होता तो क्या आज हम सभी एक हो पाते? मेरी बेटी पूजा इतने अच्छे घर में जा रही है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बच्चों के साथ मिलकर हमने भी आपको तकलीफ दी, हमें माफ कर दीजिएगा। माफ तो कर देंगे, लेकिन ये रिश्ता क्यों चेंज किया? असली रिश्ता तो यही है ना। आप लोगों के यहाँ से जाने से मुझे बहुत दुख होगा, सच कह रहा हूँ। अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम अपनी बेटी के साथ आपके घर 4 दिन रुकना चाहते हैं, क्या बोलते हो? 4 दिन नहीं, 1 महीने रुकना पड़ेगा। क्या बोलते हो चंदू? मेरा क्या है सर, जैसे मामा जी की मर्जी।